नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत मैं संजय इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं आज पैथन पैंडास के बारे में बेसिकली ये पैथन पैंडास का वन शॉट वीडियो है जिसमें इस पर्टिकुलर यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब को हम कवर करेंगे स्पेशली सीरीज एंड डेटा फ्रेम को हम एक साथ डिस्कस करेंगे साथ ही साथ जो डेटा फ्रेम का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पार्ट है सी फाइल के साथ वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं स्लाइसिंग रीनेमिंग एंड एवरीथिंग ये पूरा सेशन आई क्लास ट्वेल्व का जो सी ने सिलेबस सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक करने के लिए प्लस साथ ही साथ जो पेंडास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाइए और सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा क्योंकि आपका लाइक आपका वन शेयर और आपका वन सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है और ऑफ कोर्स एक मोटिवेशन मिलता है बूस्ट होता है हमारे लिए कि बेहतर तरीके से हम भी वर्क कर सकें सो अगेन वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपको यू नो फर्दर जो भी कमिंग वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको मिलते रहे तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे और एक छोटी सी बात और इंक्लूड करना चाहूँगा कि जितना भी मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसस या कंप्यूटर साइंस या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम देते हैं उन सब का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं मैं सीधे अब अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम लर्न करना शुरू करते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया उन सब का दिल से शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया उन सभी का भी स्वागत आप भी आगे बढ़िए यही हमारी इच्छा है

सो देखिए डेटा हैंडलिंग का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे तीन लाइन पे हमने लिखा हुआ है तो बेसिकली यू नो डेटा हैंडलिंग का मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज होते हैं उन और जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं उनको कन्वर्ट करके एक सिंगल फॉर्मेट में डालना सो ना डेज वी ऑल नो दैट कि जमाना जो है हमारा डेटा साइंस का है और जब डेटा साइंस की आप बात करते हैं तो वहाँ पे हम बिग डेटा की बात करते हैं और बिग डेटा को मैनेज करने के लिए आपके पास किसी न किसी तरीके से टूल्स होने चाहिए तो ये जो टूल है बेसिकली पैथेन पैंड इज वन ऑफ देम नाउ इसकी ही पूरी जानकारी हम यहां पे सीख रहे हैं और डेटा हैंडलिंग का तात्पर्य यही है कि मैनेजिंग वॉट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अब मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं मैं इसे यहां पे लिख देता हूं मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यू नो डेटा और सिंगल प्लेस का मतलब जैसे कि अभी हमने बात की पैंडास की तो चाहे वो सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम हो इनका प्रयोग करना और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में ये हो सकते हैं ना ये जब रिकॉर्ड्स को आप मैनेज करते हैं तो इसमें एक चीज़ और होती है क्योंकि डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन हम बोलते हैं इसलिए हैंडलिंग के मतलब ये अब हैंडल करने या डेटा स्टोर करने या मैनेज करने का पर्पज़ क्या है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप इन रिकॉर्ड्स की बेसिस पे कुछ यू नो एनालिसिस करेंगे एनालिसिस करने के बाद आप किसी एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि भाई ये जो एनालिसिस हमारी हुई क्या उससे हमारा जो ये बिज़नेस डिसीजन है जो हमारा बिजनेस चल रहा है हम उसमें इन रिजल्ट की मदद से क्या और फर्दर डिसीजन ले सकते हैं सो so दैट हम ग्रो कर सकें तो बेसिकली आज की डेट में डेटा एनालिसिस इज वन ऑफ द मेजर यू नो यू कैन से टूल और यू कैन से बहुत बड़ा एक फील्ड है जहाँ पे लोग अपना करियर भी बना रहे हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल कर रही है अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए यही रीजन है कि डेटा हैंडलिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है नाउ इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे यू नो पाइथन पैंडास की अभी हमने डेटा हैंडलिंग को समझा तो इस डेटा को हैंडल करने के लिए पाइथन में आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसे हम जानते हैं पैंडास के नाम से नाउ इसे हम ओपन सोर्स पाइथन मॉड्यूल भी बोलते हैं पर्पस क्या है तो अभी हमने देखा कि डेटा को मैनुकुलेट करना मैनुपुलेट करने के साथ साथ डेटा को एनालाइज करना हालांकि जब डेटा एनालाइज करने की आप बात करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज करते हैं दैट इज योर मैट प्लॉट लाइब्रेरी का का इसका पर्पस क्या है बेसिकली हमें फायदा क्या होता है वो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट हाई परफॉर्मेंस यू नो आपको ये प्रोवाइड करता है इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आसानी से आप डेटा मैनुपलेट कर सकते हैं उनको आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं साथ ही साथ डेटा विजुलाइजेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन पैथन पैंडास है इसमें अपने पास इसका खुद का अपना एक प्लॉट मेथड है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ऑन डिमांड आइडियली तो हम मैट प्लॉट को ही इस्तेमाल करेंगे सो समथिंग अबाउट योर देउटर लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस पैंड नाउ क्या ऐसे रीजंस हैं जो पैंडास को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट इट इज यू कैन सी इट सपोज डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स लाइक वो किसी भी टाइप ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है चाहे उसका डेटा टाइप कुछ भी हो साथ ही साथ ये कॉम्पैटिबल है जैसे सी एस बी फाइल्स हैं टेक्स फाइल्स हैं उन सब के साथ भी ये कॉम्पैटिबल होता है सिमिलरली यू नो रो कॉलम्स कैन बी डिलीटेड इंसर्टेड इजली एंड आइडेंटिफाइड यूनिकली यूजिंग इंडेक्सेस पैथन पैंडास के जो डेटा स्ट्रक्चर हैं जब हम बात करते हैं सीरीज एंड यू नो डेटा फ्रेम की तो इसमें जितनी भी मैन्यूपलेशन है इंसर्ट करना डिलीट करना यू नो रोस कॉलम्स को मैनेज करना साथ ही साथ इसकी जो बहुत खास बात होती है वो होती है इसकी इंडेक्स क्या है इसमें जो इंडेक्स है वो डिफॉल्ट तो होता ही होता है साथ ही साथ इसमें आप अपना खुद का मैनुअल इंडेक्स भी क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं तो इंडेक्सिंग जो है वो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आई I मीन mean, में जो सीरीज एंड डेटा फ्रेम को आप इस्तेमाल करते हैं सो so, ये इसका एक एडवांटेज है थर्ड एडवांटेज ये बोलता है कि इसमें गुड इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी एज इट कैन ईजिली कनेक्ट एंड फेच यू माई एस पिल डेटा इट्स नॉट ओनली अबाउट माई एस डेटा आप इसमें सी एस वी फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं इनफैक्ट जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपने देखा भी होगा कि हम जो डेटा बेस नो पैथन पैंडास की कनेक्टिविटी या तो माई एस के साथ करते हैं या सी एस वी फाइल के साथ करते हैं सो so, इसमें जो है वो अच्छे फीचर्स हैं आसानी से आप यू नो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं अर्लियर डेज ऑफ प्रोग्रामिंग अगर अगर आप किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें चाहे सी प्लस प्लस या जावा की तो उनमें एज कंपेयर टू योर पैंडास या पैथन थोड़ा सा यू नो कनेक्शन और यू नो रिकॉर्ड्स को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए ये ज्यादा बेटर है अगर आप डेटा कनेक्टिविटी की बात करते हैं सिमिलरली मिसिंग डेटा को आसानी से मैनेज किया जा सकता है डेटा को रीशेप आप कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पे रीशेप का मतलब ये है कि जैसे जो सपोज आपका एक डेटा फ्रेम है थ्री क्रॉस टू का आप टू क्रॉस थ्री कर लीजिए या वन क्रॉस वन में कन्वर्ट कर लीजिए रोज एंड कॉलम्स का साइज आप यू you नो know, अलग अलग तरीके से लेके उसको मैनेज कर सकते हैं

यू नो सेपरेट एक मॉड्यूल है सेपरेट एक लाइब्रेरी है इसलिए आपको इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस पाइथन सो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद में द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने यू नो डॉस प्रॉम्प्ट में जाइए डॉस प्रॉम्प्ट में जाने के बाद में यहां पर आपको पाइथन का जो भी पाथ जहां पर आपने इंस्टॉल किया है उस पाइथन फोल्डर में इस आपका जो स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होता है वहां तक आप पहुंचिए वहां पहुंचने के बाद में आपको यहां पर कमांड देना होगा पिप And इसके बाद में आप लिखते हैं पैंडास तो जैसे ही आप इस पूरे कोड को अपने डॉस फ्रंट में एग्जीक्यूट करेंगे ये आपके, में, आपके से पाइथन में क्या हो जाती? इंक्लूड हो जाती है और उसके बाद में आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं नव दैटर आपको डिटेल में देखना है तो इंस्टॉलेशन का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा वहां से जाके आप देख सकते हैं फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडास की नाव देखिए अभी अगर आप इस पैंडास की बात करें तो पैंडास का actually full form क्या होता है पर अगर आप इस Pandas का main, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर देखो तो वो पैनल होता है इट्स बेसिकली टू डी से भी बड़ा होता है दैट इज थ्री डायमेंशनल एक्चुअली हमारे कोर्स में ये नहीं है इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम एक्चुअली बात करेंगे यहाँ पे सीरीज और डेटा फ्रेम की Now, तो हमारे करता है, है अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हमारे सीरीज एंड डेटा फ्रेम की तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज को लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ व्हाट इज दिस सीरीज एक्चुअली सो सीरीज को बारे में अगर आपको जानना है तो इसमें तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे पहली बात तो ये कि सीरीज एक डेटा स्ट्रक्चर है आपके पाइथन में जो अवेलेबल होता है यूज टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसकी अगर खूबियों की बात की जाए या इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी ऑल शुड नो इज दैट इट इट इज बेसिकली वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल मतलब आइदर रो के फॉर्म में आप डेटा मैनेज कर सकते हो या कॉलम के फॉर्म में इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं सेकेंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट कि इसमें होमोजीनियस वैल्यूज को ही आप मैनेज कर सकते हैं आपके पास ये आपने कोई सीरीज बनाई तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें फोर डालिए ए डालिए वन पॉइंट टू डालिए सिक्स डालिए सो दिस इज नॉट एक्चुअली अलाउड आप इसमें अगर इंटीजर मैनेज कर रहे हैं तो ये सिर्फ इंटीजर ही मैनेज करेगा या स्टोर करेगा सो दैट इज बेसिकली होमोजीनियस वैल्यूज आफ्टर दैट इट इज सेंग दैट इट इज़ वैल्यू म्यूटेबल बट साइज इम्यूटेबल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि जो सीरीज होता है इसकी वैल्यूज को तो आप किसी भी टाइप आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर सकते हैं यू यू कैन अपडेट टू 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 से फॉर बट इफ ट्राई इंक्रीज द साइज ऑफ सीरीज की ये फोर है इसका साइज आप फाइव कर दें सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एक बार आपने सीरीज बना दी जो भी आपने साइज दिया से फॉर एग्जाम्पल आपका एस फोर है आफ्टर <coughs> दैट आप उसको इंक्रीज करके एस टेन नहीं कर सकते हाँ इस एस फोर की बेसिस पे एक नया सीरीज आप बना सकते हैं विद न्यू मेंबर्स तो होगा क्या कि वो नया मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नए सीरीज को बनाने की आप बात करते हैं सो दीज आर दी थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी ऑल शुड नो अबाउट दिस सीरीज देन अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं मान लीजिए सीरीज जब भी आपको बनाना है आपने पैंडास लाइब्रेरी को तो पहले ही इंस्टॉल कर लिया इसके बाद में क्या होगा कि जब भी आप सीरीज बनाते हैं सबसे पहला काम ये हम बार बार नहीं लिखेंगे बट आप ध्यान रखें हम सबसे पहले लेते हैं इम्पोर्ट उसके बाद में हमारी लाइब्रेरी है दैट इज योर देन देन वी वी राइट एस टेक दिस पी तो ये मेरी इंपोर्ट हो जाएगी फाइल एंड इसके बाद में आप इस सीरीज ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे तो इसके लिए आप क्या करते हैं हमारे पास एक मैथड होता है सीरीज के नाम से इस सीरीज मेथड को आप इस्तेमाल करेंगे और इसका एस जो है वो हमेशा हम कैपिटल रखते हैं ना हमने पेंडल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली इसका मतलब अब आप ये सीरीज बनाने के लिए एस करेंगे एस इक्वल टू ये जो है सीरीज ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब तो सीरीज का नाम है और ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं मैंने एस ले लिया है इसके बाद में हमारा जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है दैट इज पीडी डॉट लगाएंगे सीरीज का जो मेथड हमने लिया वो लेंगे इसके अंदर में हम डेटा पास करते हैं जरूरत पड़े तो आप अपनी इंडेक्स को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं आगे चल के इसको हम डिटेल में देखते हैं तो मतलब आपको पहले इम्पोर्ट करना है आई मीन इम्पोर्ट करना है एंड इसके बाद में सीरीज को क्रिएट करना है सो दे इज समथिंग अबाउट फंडामेंटल्स अब डेटा फ्रेम की अगर आप बात करते हैं सो डेटा फ्रेम को भी आप समझ लें कि ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है मतलब जब आपको डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना हो इन फॉर्म ऑफ यू नो कॉलम्स एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ रोज तो वहां पर हम डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टू दी डेटा स्ट्रक्चर इट सिमिलर टू यू कैन सेक्सेर टू टू डायमेंटोर हेट्रोजीनियस डेटा तो जब आप टेबुलर फॉर्म में डेटा को मैनेज करते हैं तो आप इसमें यू नो एन यू कैन टेक वन टू थ्री देन देन पॉइंट फोर वन पॉइंट सिक्स एंड दिस इज हाउ यू ऑल कैन मैनेज यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड इन डेटा फ्रेम दैट्स वाई हेट्रोजीनियस डेटा इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस देन इट इज़ बोथ साइज एंड वैल्यू मेटेबल मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इसमें यू नो नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं साथ ही साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या कर सकते हैं अपडेट भी कर सकते हैं सो दीज आर द्री यू नो बेसिको बेसिक फीचर्स ऑफ दिस डेटा फ्रेम एज फार एज़ इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो हम पहले तो इम्पोर्ट ही करेंगे तो हमने लिया इम्पोर्ट Then our pandas, जिसका एक ऑब्जेक्ट आप लेते हैं दैट इज योर पी डी इसके बाद डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है इट इज एक्चुअली मीन सॉरी मैथड है वो होता है डेटा फ्रेम जिसका डी और एफ दोनों ही कैपिटल होता है सो so, जैसे मान लीजिए आपने बनाया डी एफ इसके बाद में आप लिखते हैं पी डी डॉट इस डेटा फ्रेम मैथड को तो आप कॉल करते हैं इसके बाद में इसके अंदर जो भी आप यू नो वैल्यूज को पास करते हैं दैट इज बेसिकली डेटागेन योर इंडेक्स सो ये सेम वही बात हुई जो मैंने अभी सीरीज में आपको बताई अब ये डेटा टू डायमेंशनल डिक्शनरी के फॉर्म में हम ज़्यादातर पास करते हैं क्योंकि हमें इसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों ही चाहिए सो आगे चल के इसे भी देखेंगे तो दिस इज द बेसिक तरीका ऑफ यू नो यूजिंग डेटा फ्रेम आई होप एक बेसिक आइडिया आपको मिल रहा होगा सीरीज एंड डेटा फ्रेम का नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में काफ़ी हद तक हमें पता भी होना चाहिए कि वॉट इस द डिफरेंस बिटवीन दिस सीरीज एंड डेटा फ्रेम हालांकि अभी हमने इंडिविजुअली इसे देखा अब हमने एक टेबल uh, के फॉर्म में इसे आपस में कंबाइन करने की कोशिश की है फर्स्ट यू नो सीज इज वन डी सॉरी सीरीज इज वॉट वन डी डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्रेम इज टू डी सेकेंड इट इज और यू कैन सी इज स्टोर होमोजीनियस डेटा इट स्टोर हैट्रोजीनियस देन इट इज साइज म्यूटेबल एंड इट इज वॉट साइज म्यूटेबल इट इज साइज इम्यूटेबल एक्चुअली एंड वैल्यू तो दोनों में ही चेंज हो सकती है तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे दिस इज द कम्पेरिजन बिटवीन योर सीरीज एंड डेटा फ्रेम तो ये तो बात हुई इन दोनों की तो यहां तक हमें यह समझ में आया कि सीरीज डेटा फ्रेम डेटा हैंडलिंग क्या है पैंडास क्या है इसके बाद में अब हम अपने डिटेल पे यू नो डिस्कस करेंगे हमारे इस सीरीज को तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं एज पर योर सिलेबस इफ आई सी सीरीज को डिक्लेयर करना क्रिएट करना अब सीरीज जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम यू नो पाइथन सिक्वेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एरे का एंडी एर का इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्केलर वैल्यू हम इन चारों तरीकों से इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे देन आपका सीरीज इंडेक्सिंग के बारे में समझेंगे इंडेक्सिंग आप कैसे करते हैं देन उससे वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इन दोनों के द्वारा सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं सीरीज में डिफरेंट मेथड्स क्या हैं जैसे हेड टेल और काउंट ये तीन मेथड एज पर योर सिलेबस मेंशन हुए हैं उनको हम देखेंगे देन मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें कि हम बेसिकली एडिशन देखेंगे बाकी सब आप अपने से भी कर सकते हैं तो हम बात करेंगे कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि डेटा आई मीन सीरीज जो है उसको सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं किसकी लिस्ट की बाई डिफॉल्ट ऑब्वियसली चूंकि हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं या टपल्स को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं तो इनको इस्तेमाल करके यदि आप सीरीज बनाना चाहें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सबसे पहले तो अपने फाइल पे आई मीन आपका जो मॉड्यूल आप बना रहे हैं देखिए पाइथन का जो आप फाइल क्रिएट करते हैं जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पाई और इसे भी हम मॉड्यूल के नाम से ही जानते हैं सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट के बाद में हमने लिया पैंडास पैंडास के बाद इसे कर दिया एस पी मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात और आपको बता दू कि एमपटी स्ट्रिंग हम बना लेते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हो एस इक्वल टू आपने लिखा पी डी डॉट सीरीज अब पी डी डॉट सीरीज करने के बाद जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक सीरीज बनेगी और आपका मान लीजिए ये प्रॉम्प्ट है यहाँ पर आप एस को एंटर करोगे या प्रिंट एस करोगे तो आप देखेंगे आपको ये ब्लैंक सीरीज आई मीन आपको डिस्प्ले करेगा द मेन थिंग इज कि इसका जो बाई डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो क्या होगा सो यू विल सी इट इज योर फ्लोट सिक्सटी फोर एक बार हम इसे हमारे पाइथन आईडीएलई में चल के चेक भी कर लेते हैं सो दिस इज़ माई पैथन आईडी अली एज यू कैन सी एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैंने इंपोर्ट ऑलरेडी कर लिया है मैंने लिखा एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एंड इसमें मैं पहले स्मॉल में कर लू एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एंड हमने इसे ब्लैंक कर दिया तो यहाँ पर ये देखिए फ्लोट सिक्सटी फोर वर्जन यहाँ पे ये यह वार्निंग दे रहा है हमारी सीरीज एक्चुअली जो है वो क्रिएट हो चुकी यू कैन सी इट इज शोइंग अस यू नो फ्लोट सिक्सटी फोर सो ये है एम्पडी यू नो स्ट्रिंग सीरीज I mean, और यहाँ पर जो मेन बात है वो ये कि जो इसका डेटा टाइप है इसको आप ध्यान रखेंगे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आ, आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है है जो पूछा जा सकता सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमें सीरीज चूंकि बनानी है यूजिंग लिस्ट अब आपने एक लिस्ट क्रिएट की एल इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल फोर थ्री टू सेवन अब इसके बाद में इसकी बेसिस पे जब आप सीरीज बनाएंगे तो यू कैन राइट एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज एंड इसके बाद आप इसके ब्रैकेट में सिंपल एस को पास कर दीजिए जैसे आप एंटर करेंगे हमने देखिए यहाँ पे सिर्फ डेटा पास किया दैट इज माई फोर थ्री टू एंड सेवन सो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे मीन्स जब आप इसे कर देंगे प्रिंट एस तब ये क्या डिस्प्ले करेगा फोर थ्री टू एंड सेवन बट सिस्टम इसको एक डिफॉल्ट इंडेक्स दे देगा दैट इज योर देन टू देन थ्री सो दिस इज हाउ आई मीन वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं बात आती है इसमें इंडेक्सिंग करने की आगे चल के उसे डिटेल में हम देखेंगे बट इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे मैं इसे रेस कर देता हूं मैंने एल लिया कॉमा लगाया इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू जैसे मान लीजिए हमने डाला ए चूंकि हमारे पास चार वैल्यूज हैं तो हम डाल सकते हैं बी देन सी देन डी ये लगाया आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसके आगे एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर दिखाएगा ए बी सी एंड डी इस तरह से आप इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं तो ये तो बात हुई हमारे कि किस तरह से हम सीरीज को बना सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं अब हम आ जाते हैं हमारे क्रिएटिंग सीरीज विद डेटा एंड इंडेक्स आर्ग्यूमेंट तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप कोई भी सीरीज बनाते हैं एस इक्वल टू पी डी आपने लिया सीरीज इसका तरीका क्या है देखिए आप पहले देते हैं डेटा फिर देते हैं इंडेक्स मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं एस इक्वल टू जैसे आपने लिस्ट क्रिएट की या सीधे आप ले लीजिए पी डी डॉट सीरीज इसका ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिया मैंने यहाँ कॉमा लगा के इंडेक्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर भी लिस्ट ले लीजिए ए देन कॉमा बी देन कॉमा सी इसके बाद में आप इसे यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए तो देखेंगे आपकी सीरीज बन जाएगी लाइक दिस ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा वन थ्री एंड सेवन आप देखिए कहीं-कहीं हमने डेटा और इंडेक्स नहीं लिखा है। लेकिन आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी डी डॉट आपने लिया सीरीज आपने यहाँ पर लिखा डेटा इक्वल टू ब्रैकेट में आपने डाल दिया वन थ्री सेवन कॉमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू आपने कर दिया ए देन बी देन तरीका हो सकता है एक बात और अगर आप इंडेक्स को पहले लेना चाहें तब आपको स्पेशली मेंशन करना होगा पीडी डॉट सीरीज और आपको पहले यहां पे उस सिचुएशन में जैसे आप यहां पर देखें तो बाई ये डेटा है ये इंडेक्स है पहला आर्ग्यूमेंट डेटा दूसरा इंडेक्स होता है लेकिन अगर आप इंडेक्स को पहले लेना चाहते हैं तब आपको ये मेंशन करना होगा इंडेक्स और यहां पे फिर आप इस पहले वैल्यू को पास कर दीजिए ए देन बी देन सी को एंड कॉमा लगा के इसके बाद में जो आपका डेटा है दैट इज डेटा इक्वल्स टू वन द्री देन सेवन तो ये डिफरेंट तरीके हैं

एज वॉट योर एनपी एंड इसके बाद में इसका आप एरे क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिया एक ऑब्जेक्ट एन मैंने लिया एन पी डॉट अरेन्ज यहाँ पर अरेंज इज सिमिलर टू रेंज मैथड सो इसके अंदर में आपने पास कर दिया जैसे से फॉर एग्जाम्पल टेन टू ट्वेंटी है ना तो मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे टोटल टेन वैल्यूज को ये ले लेगा ये मेरे पास एन आ गया अब आप यहाँ पे लेते हैं एस इक्वल टू पी डी डॉट यहाँ पे आपने कर दिया सीरीज इसके अंदर में आपने एन को पास कर दिया जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे और प्रिंट करेंगे यू विल विल सी द वैल्यू यूल वैल्यूल इलेवन टीन ऐसा करके ट्वेंटी तक आइए इसे एक बार हम आई में चल के या पाइथन शेल पे चल के एग्जीक्यूट कर लेते हैं सो so जैसे मैंने आपसे बोला मैं यहाँ पे ले लेता हूं इम्पोर्ट देन मैं ले लेता हूँ नाम पाई एज बॉट योर एन इसके बाद में आप एन ले लीजिए यू कैन राइट एन पी डॉट रेंज एंड इसके अंदर में मैं से फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ टेन टू फिफ्टीन मैं ले लेता हूँ आफ्टर दैट यहाँ पर नंबर एक्चुअली मुझे ये लिखना था एन इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज एंड इसके अंदर में मैंने लिया टेन टेन वॉट योर फिफ्टीन प्रेस करें एंटर एंड इसके बाद आप एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें लाइक पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में मैंने सिंपल एन को पास किया को आप प्रिंट करेंगे एंड यू कैन नोटिस कि ये हमारा नाम पा की बेसिस पे हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इसकी फोर है आप चाहें तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जैसे मैं ले लेता हूँ एंड इसको बैक कर दीजिए यहाँ पर एंड के बाद में मैं मैनुअल इंडेक्स कर देता हूँ लाइक टेन देन ट्वेंटी एंड इसके बाद में आप इसे एग्जीक्यूट करें यू विल सी नाउ इट इज शोइंग लेबल इंडेक्स ऑफ दिस सीरीज ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यूज भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं so, सो ये तो बात हुई मेरे कैसे हमने येट किया नाम पा हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए डिक्शनरी का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डिक्शनरी ली डी एंड इसके अंदर हम जानते हैं कि हम की लेते हैं जैसे मैंने लिया ए कामा लगा के टेन कॉमा लगा के बी कोल ट्वेंटी फॉर्म लगा के सी कोलन हमने डाल दिया फॉर्टी अब ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई सो यू कैन सी दिस इज की दिस इज वैल्यू अब होगा क्या कि जब आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी पी डी डॉट सीरीज और मैं इसमें डी को पास कर दूंगा एंड इसके बाद में यदि आप इस सीरीज को प्रिंट करेंगे यू विल नोटिस कि जो इसकी कीज हैं वो इसका इंडेक्स फॉर्म करेंगे लाइक दिस टेन देन ट्वेंटी देन फोर्टी एंड इसका जो करस्पॉन्डिंग की है वो इसका लेबल like यहाँ पे हो जाएगा कुछ

हमने यहां पर लिखा पीडी डॉट सीरीज ओके अब मैंने यहां पर एक सिंगल वैल्यू डाल दी टेन अब क्या होगा इससे ये सिंपल एक 10 बनाएगा इसका एक इंडेक्स आ जाएगा लेकिन अगर आप लिखते हैं पीडी तो ये इसको हम स्केलर वैल्यू से सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना नहीं बोलते जब आप स्केलर वैल्यू के थ्रू सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है यू हैव टू पास इंडेक्स एज वेल आप जितने इंडेक्स पास करोगे से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एस मैंने लिखा पीडी डॉट यहाँ पे लिखा सीरीज हमने यहां पर एक सिंगल वैल्यू डाली टेन और मैंने यहां पर इंडेक्स इक्वल टू हालांकि इसकी इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं बट लिख दीजिए आपने डाला टेन ट्वेंटी थर्टी अब ये तीन मैंने यहाँ पे इंडेक्स डाली मतलब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंग करेंगे और प्रिंट करेंगे सो इट विल शो यू टेन 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 ये मेरी वैल्यूज हो गई और इसका इंडेक्स हो जाएगा टेन ट्वेंटी एंड थर्टी सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि स्केलर वैल्यू के द्वारा आप सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं अब हमारा अगला पॉइंट है ये सारा हमने देख लिया कि सीरीज हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट अब जितनी भी जो हमने सीरीज बनाई उनके वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस करोगे तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली वी कैन टेक हेल्प ऑफ वॉट आवर इंडेक्स अब ये तो लेबल इंडेक्स भी हो सकता है मतलब जो आप खुद भी दे सकते हैं या डिफॉल्ट इंडेक्स भी हो सकता है दोनों ही तरीकों से आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर देखिए ये, ये इसी पॉइंट को बोल रहे कि इंडेक्सेस जो हैं वो दो होती हैं या तो पोजिशनल या लेबल्ड अब पोजिशनल का मतलब क्या हुआ जो आप डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं दैट इज वन टू थ्री एंड फोर और दूसरा सीरीज जो आपने बनाई उसका जो इंडेक्सिंग है उसका प्रयोग आप सीरीज के ऑब्जेक्ट को या वैल्यूज को या एलिमेंट्स को एक्सेस करने के साथ साथ मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं राइट और पोजिशनल इंडेक्सेस जो होती हैं वो इंटीजर वैल्यू लेती हैं जो कि उसकी पोजीशन बताती है जैसे मान लीजिए चार आठ दस और बारह और इसका इंडेक्स आप देखेंगे जीरो वन टू थ्री लेबल है ए बी सी डी तो यहां पर जब सी लेंगे तो भी ये पोजीशन अगर आप देखें तो इसकी थर्ड पोजीशन है जो इसके इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर रही तो यही बात ये यहां पर कर रहा है कि जो जीरो से स्टार्ट होता है और लेबल इंडेक्स क्या हुआ जैसे सी हमने यहां पे लिया तो इन सभी का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है जैसे यहां पर मैं बेहतर तरीके से इसे लिख दू चार आठ दस बारह या एक काम करते हैं मैंने नेक्स्ट में एक एग्जाम्पल दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सीरीज बनी है पोजिशनल के साथ में ये बनी है हमारी लेबल के साथ में तो आपको अगर इंडेक्स आई मीन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है सो यू कैन राइट वॉट लाइक एस हमने डाला से फॉर एग्जाम्पल एस मैंने डाल दिया यहाँ पे टू मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वाले की तो एस टू अगर आपको कर देंगे तो इट विल रिटर्न यू वॉट थर्टी फोर इसी तरह से यदि आप लिखते हैं एस सी तो इसका मतलब ये अगर आप प्रिंट करें एस सी तो डेफिनेटली इट विल शो यू व्हाट सी का एलिमेंट क्या है 34, so 34. So को करने की। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वॉट यू ऑल कैन डू इज जैसे ये मेरा सीरीज है देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब आप एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं तो स्कोयर ब्रैकेट लगाते हैं अब मुझे यहां पर सेकेंड वाला एलिमेंट चाहिए और मुझे फिफ्थ वाला एलिमेंट चाहिए तो आप इसके अंदर एक लिस्ट पास करें उसमें लिखें टू कॉमा फाइव इसके बाद इस लिस्ट को क्लोज करें और आप इसे प्रिंट कर दें तो ऐसे सिचुएशन में यह आपको क्या करेगा दो एलिमेंट्स रिटर्न करेगा थर्टी फोर एंड वॉट योर सेवेंटी एट विद इंडेक्स वैल्यू दैट इज टू एंड फाइव सिमिलरली यदि आप इस लेबल को देखें यहां पर भी आप लिख सकते हैं प्रिंट ब्रैकेट में आप जाए एस लें एस के बाद इसके अंदर में जाके इन लेबल्स को आप पास करें जैसे मुझे ए का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए सो so, आप ले लेंगे a कॉमा लगा के आप डाल दीजिए c ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी a और c का जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज 12 एंड 34 विल बी डिस्प्लेड तो ये तो बात हुई कैसे सीरीज एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट हम बात करेंगे स्लाइसिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ स्लाइसिंग का मतलब क्या है देखिए स्लाइसिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ सीरीज इज कॉल्ड स्लाइसिंग मतलब आपके पास एक सीरीज बनी हुई है चार तीन दो एक पांच अब इसमें से स्पेसिफिक पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना जो एक सीक्वेंस में ही निकलेंगे इस बात को आप ध्यान रखेंगे सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट योर स्लाइसिंग तो और जो स्लाइस आपने किया किसका स्लाइस किया आपने सीरीज का तो सीरीज का जब स्लाइस करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा सीरीज ही होगा सो दिस इज वॉट एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ सीरीज कैन बी एक्सेप्टेड बाई स्पेसिफाइंग स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स देखिये हमारी ये सीरीज है आपको यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा जैसे जीरो कोलन फोर तो ये क्या करेगा जीरो वन टू एंड थ्री एलिमेंट्स मतलब सिक्वेंस में फर्स्ट फोर एलिमेंट्स को आपको प्रिंट कर देगा मतलब आप जब स्लाइसिंग करोगे तो स्टार्ट पॉइंट दोगे और एंड पॉइंट दोगे लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और है आपने स्टार्ट दिया कोलन लगा के आपने एंड मेंशन किया प्लस आप चाहें तो यहाँ पर स्टेप भी मेंशन कर सकते हैं स्टेप का मतलब कितने इंटरवल पे हमारे पास इसका एग्जांपल आगे चल के मैं बताता हूँ फिलहाल मैं आगे के पॉइंट्स को अब बता दूँ आपको कि स्लाइसिंग जो है पोजिशन और से की जाती है ना कि इंडेक्स से अब आपने इसका लेबल इंडेक्स दिया मेरे पास चार एलिमेंट्स है ची तीन चार पांच दो ए बी सी और डी तो जब आप इसको स्लाइस करोगे तो आपने लिखा बी कोलन सी या मान लीजिए इसका नंबर दे दें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा हमने डाला जीरो वन टू थ्री फोर तो यहां पर अगर आप लिखते हो एस थ्री कोलन इसका मतलब क्या हुआ ये इसका पोजिशन लेगा ना कि यहां से स्टार्ट करेगा जीरो वन टू थ्री यहां से स्टार्ट करेगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा तो ये इसकी बात यहां पे कर रहे हैं पोजिशनल स्लाइसिंग वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड ऑलवेज ये लेबल अभी आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूं कि अगर आप पोजिशनल इंडेक्स लेते हो जैसे आपने डाला जीरो कोलम थ्री तो यहां पर ये पोजिशनल का मतलब डिफॉल्ट इंडेक्सिंग तो ये क्या करेगा जीरो वन टू को ही सिर्फ दिखाएगा लेकिन अगर आप लिखते एस ए कोलम सी तो यहां पर ये ए बी और सी तीनों को ही डिस्प्ले करेगा इस बात को आप ध्यान रखें कि जब लेबल्ड इंडेक्स होता है तो वो एंड पार्ट जो होता है वो भी इंक्लूडेड होता है तो यहां पर ये वही बात कर रहा है दूसरा आप रिवर्स ऑर्डर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं क्यों क्योंकि जो सीरीज है मान लीजिए यहां पर आपने डाली सीरीज फोर थ्री टू वन तो बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्सिंग क्या है जीरो वन टू एंड थ्री लेकिन पाइथन आपको फैसिलिटी देता है आपने लिस्ट पाइथन में जब पढ़ी होगी या आपने सीरीज पढ़, पढ़ा सॉरी टपल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है जो स्टार्ट होती है माइनस वन से माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन तो ये आपके सीरीज में भी है आप इस निगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल यहां पर भी कर सकते हैं और इन सब का प्रयोग हम मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं सीरीज के एलिमेंट्स को कैसे एग्जाम्पल से एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास वापस ये एग्जाम्पल है आ, अब हम चूंकि स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं मान लीजिए ये मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है एस ये है हमारा एस वन सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रिंट मैंने लिया प्रिंट ब्रैकेट में डाला एस स्क्वेर ब्रैकेट ओपन किया मैंने डाला टू कोलन फोर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो टू कोलन फोर का मतलब यहां पे टू और थ्री सिर्फ दो वैल्यूज को ये रिटर्न करेगा दैट कोई थर्टी फोर एंड योर और यहाँ पर इसका इंडेक्स इसके साथ आ जाएगा अब यहीं पर अगर आप लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट में जाते हैं और यहां पर ए बी सी डी ई लिखा हुआ है मैंने यहां पे डाला बी कोलन डी अब इसे अगर आप एग्जीक्यूट करें एक्चुअली यहां पर ये यह एस होना चाहिए इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए आप इसको अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे दिस विल शो यू बी सी एंड डी तीनों की ये वैल्यू दिखाएगा 14, 34, 43. So, ये बात हुआ, ये याद कि पोजिशनल में हमारा लास्ट पार्ट एक्सक्लूडेड और जब आप लेबल्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो दिस इज वॉट इंक्लूडेड नेक्स्ट अगर आप यहां पे लिखते हैं प्रिंट मैंने यहाँ पे डाला एस मैंने यहाँ पे डाला वन से स्टार्ट करो कोनल लगा के छोड़ दो इसको एंड इसके बाद में या इसको बेहतर यह कि मैं लिख देता हूँ फोर कोलन और इसके बाद इसे आप एग्जीक्यूट करो तो ये क्या दिखाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट को दिखाएगा और इसकी जो भी वैल्यूज दैट इज एंड तो जब आप कोलन करके छोड़ देंगे मतलब ये लास्ट तक जाएगा इसी तरह से यदि आप प्रिंट करते हैं मान लीजिए आपने लिया एस यहाँ पे मैंने डाला टू कोलन यहाँ पे डाल दीजिए टेन कोलन डाल दीजिए टू तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेन डाला तो यहां तो टेन है ही नहीं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आप कुछ भी करिए यहां से स्टार्ट किया आपने टू से तो वो लास्ट तक कंटिन्यू करेगा अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल शो यू टू स्टेप पहले चूंकि मैंने टू डाली है इसलिए दिखाएगा टू फोर सिक्स एंड एट को तो अब आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं और इसका जो भी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा आप यहां पे उसे ले सकते हैं तो जैसे यहां पर है थर्टी फोर देन फोर का है फिफ्टी सिक्स Then Then C it is 56, then 6 is 89, and 8 is is and what So this is how we can get the answer. print, bracket आपने डाल दिया s और यहाँ पे आपने डाल दिया colon say for example colon minus वन तो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यूज को क्या कर देगा डिस्प्ले कर देगा सो so, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा ऐसे ही लेंगे तो ये आठ सात छः पाँच चार तीन दो करके ये रिवर्स ऑर्डर में सारी वैल्यूज को दिखा देगा आइए इसे एक बार आई में करके देखते हैं सो यू ऑल कैन सी दिस इज माई आई सो ये मेरा आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये सीरीज फिर से क्रिएट कर दी है मैं एक बार फिर से प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ आप देखेंगे इसमें पांच छह वैल्यूज हैं इनका ये हमने लेबल इंडेक्सिंग कर दिया है अब अगर आप लिखते हो से फॉर एग्जांपल देखिए पोजिशनल इंडेक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ वन कोलन थ्री अब इसके बाद यदि आप प्रेस करोगे तो देखिए ये क्या दिखा रहा है जीरो वन मतलब बी टू मतलब सी थ्री को ये एक्सक्लूड कर देगा जैसे मैंने आपको बताया तो ये हो गई बात की एक्सक्लूड एक्सक्लूड कैसे किया अब यहीं पर अगर आप लेबल इंडेक्स ले लेते हो जैसे एक 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 काम करते हैं हम बी ले लेते हैं एंड इसके बाद आप कोलन डालो और इसके बाद में आप यहाँ पे डी डाल दो अब अगर आप इसे एड आप शो करोगे तो आप देखो यहाँ ये यह दिखा रहा है बी सी और डी मतलब यहां पर क्या हुआ जब आपने लेबल इंडेक्सिंग को स्लाइसिंग में इस्तेमाल किया मतलब यहां पर

देन उसके बाद दो के स्टेप में ये ई e को दिखाएगा चूंकि हमने टेन कर दिया उसके बाद आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या करेगा सिर्फ इन दो को ही दिखाएगा अब देखिए अगर आप इसे लिख देते हो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ लिखता हूँ एस कोलन कोलन माइनस वन ये पूरी सीरीज मेरी रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगी इसी तरह से यदि आप लिखते हैं एस एंड इसके बाद में जैसे मैंने डाला थ्री पहले भी अभी हमने कर लिया लेकिन फिर से हम देख लेते हैं टू कोलन से फॉर एग्जाम्पल इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए तो ये पूरे दो से स्टार्ट करके सारे एंड एलिमेंट्स को दिखा देगा तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं एक बार आप लेबल इंडेक्सिंग भी कर दो जैसे आपने डी कॉलन लिया एंड इसके बाद ब्रैकेट छोड़ दीजिए तो ये पूरा इस तरह से इन वैल्यूज को दिखा देगा तो ये मेरी बात हुई कि कैसे हम यू नो आई डी में या पाइथन में स्लाइसिंग कर सकते हैं किसका हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट का आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज मैथड्स की वेल सीरीज मैथड की यदि हम बात करें तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसमें कि पहला है मेरा हेड दूसरा टेल और तीसरा काउंट हेड मतलब टॉप ऑर्डर रोस बाई डिफॉल्ट पांच रो को डिस्प्ले करेगा आप चाहे तो हेड में वैल्यू पास कर सकते हैं टेल मतलब बॉटम ऑर्डर रोस और बाई डिफॉल्ट पांच रोस और आप चाहे तो जितनी मर्जी दिखा सकते हैं काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा लेकिन ये जो नैन वैल्यूज रहती हैं उनको इंक्लूड नहीं करेगा एक बार आई डी में डायरेक्ट इसको भी करके देख लेते हैं मैं वापस से अपनी सीरीज डिस्प्ले करता हूं ये आ गई सीरीज अब अगर मैं यहां पर करता हूँ एस डॉट हेड तो ये पांच को ही दिखा देगा जो यहाँ पे ए बी सी डी ई है अगर आप लिखते एस डॉट हेड ब्रैकेट में आप डाल दो टू सो यहाँ पर ये क्या दिखा देगा शुरू के दो वैल्यूज तो ऐसी एस डॉट टेल भी आप कर सकते हैं मैं यहाँ पे थ्री डाल देता हूँ तो नीचे की तीन वैल्यूज को दिखा रहा है एस डॉट काउंट यदि आप करें तो ये आपको इस तरह से वैल्यू सिक्स दिखा रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इम्पोर्ट नाम पाई एन पी एंड इसके बाद में जो मैंने सीरीज बनाई थी मैं सीरीज ले लेता हूँ ये पेस्ट कर दी मैंने और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एन पी डॉट नैन ऑल राइट इसके बाद में एंटर करो सीरीज को डिस्प्ले करो तो एक बात और ध्यान देखो कि जैसे ही मैंने नैन डाला मतलब ऑटोमेटिकली इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया फ्लोट में और आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर ये इंटीजर्स थे और डेटा टाइप क्या था इंटीजर 64 लेकिन जब आप नैन डालते missing value, तो हो मिसिंग वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज चेंज होकर क्या हो जाती हैं फ्लोट हो जाती हैं तो अब आप इसका डेटा टाइप को ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं तो ये जरा अपने जहन पर रखेंगे इस बात को अब यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस डॉट काउंट अगर आगे पीछे से कोई आवाज आ रही होगी तो भाई उसके लिए आई एम सॉरी क्योंकि अपने लिए अपनी रिकॉर्डिंग ये ज्यादा जरूरी है और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज्यादा जरूरी है आई होप आप कॉपरेट करेंगे इस बात के लिए धन्यवाद सो so, ये पांच गया आप देख सक पा रहे होंगे तो ये हुआ कि मिसिंग वैल्यू को कैसे आई I मीन mean, जो नैन वैल्यू हमने डाली काउंट में तो उसको ये इग्नोर कर देता है ये पूरे मेथड हो गए हमारे सीरीज मेथड्स अब इसके बाद में इसका एग्जांपल अभी हम लोग देख लिए नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन जब आप करोगे तो दो तीन चीज को आप बस ध्यान में रखो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन तो होगा बात आती है कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन होगा वो मैचिंग इंडेक्स पे होगा जो नॉन मैचिंग इंडेक्स है उसमें नैन वैल्यू आ जाएगा तो जैसे ये ए है ये बी है अब यहाँ पर क्या है ई e जो है नॉन मैचिंग है अब मान लो ये मेरा एस वन है ये मेरा एस टू है अब आप इन दोनों को क्या कर दो एड करो अब मैंने बोला एस वन प्लस एस टू करो तो क्या रिजल्ट आएगा तो देखिए ए एफ बी जी चार अलग हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई है तो ए पहले तो जितने भी इंडेक्स हैं वो सबको आप ले लो ए बी सी डी फिर हो गया मेरा ई e, फिर हो गया एफ और ये हो गया जी अब ए दोनों में कॉमन है मतलब बारह दूनी चौबीस बी दोनों में कॉमन है चौंतीस चौथा फोर्टीन कितना हो गया फोर्टी एट सी कितना है मेरा यहाँ पे चौंतीस लेकिन सी मैचिंग नहीं है तो ये नाइन हो गया डी क्या है अब ये पॉइंट जीरो हो जाएगा इसके बाद डी क्या है मेरा फोर्टी थ्री है वो भी दोनों में कॉमन नहीं है तो ये भी नैन हो जाएगा इसके बाद में ई e है क्या दोनों में नहीं है तो ये भी नैन हो गया एफ है क्या नहीं है और जी है क्या नहीं है तो ये मेरा आंसर आ जाएगा किसका एडिशन का तो ओवरऑल आप चाहो तो एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो चाहे मल्टीप्लीकेशन करो चाहे डिविजन करो सब में यही बात होती कि मैचिंग है तो होगा नॉन मैचिंग है तो वहां पर नैन आ जाएगा और नया नया मतलब आपका पूरा जो सीरीज है उसका डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हुए मेरे पूरे फंडामेंटल्स किसके सीरीज के आई होप आपको समझ में कि सीरीज कैसे बनानी है एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करना है स्लाइसिंग कैसे करनी है और ऑपरेशन कैसे होता है और प्लस उसके दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब डेटा फ्रेम्स की चलिए देखते हैं दिस so ईयर आपको जो कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के दैट डिक्शनरी ऑफ सीरीज सीएसवी फाइल्स है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सी फाइल्स के दौरान उसके पहले हम डेटा फ्रेम को बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम लाइक एड करना सिलेक्ट करना डिलीट करना रिनेम करना

दिस काइंड ऑफ डेटा फ्रेम वी वॉन्ट टू मेक जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं तो ऊपर में ये जो कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं, इसको हम जानते हैं कॉलम्स के नाम से या जब आप इसकी लेबलिंग करते हैं तो वी ऑलवेज राइट कॉलम्स इक्वल टू फिर जो भी उसका लेबल हमें देना हो सिमिलरली ये जो इंडेक्स नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हर एक का रो नंबर दिया हुआ है इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडेक्स के नाम से अर्थात इंडेक्स इक्वल टू फिर जो भी लेवल आप इसका देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं बाकी तो ये जो है इनकी वैल्यूज हैं सो so, अब हम बात करते हैं कि डेटा फ्रेम क्रिएट किस तरह से करेंगे सो नाउ वी ऑल नो दैट कि अगर आपको डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो आपको पैंडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा तो जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट पैंडाज एसपीडी उसके बाद में जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो की में होता है, frame, का और आप डेटा पास करना चाहते हैं अगर आप अपना खुद का कोई इंडेक्स पास करना चाहते हैं और कॉलम लेबल पास करना चाहते हैं तो इस तरह से तीन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट का प्रयोग करते हुए हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं तो अब यदि सपोज मैंने इस इम्पोर्ट पैंड एस पी डी को इम्पोर्ट किया और उसके बाद में अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूं डी एफ इक्वल टू मैंने लिखा डेटा फ्रेम और इसके बाद इसके अंदर यदि मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगा सो दिस विल क्रिएट अ सिंपली यू कैन से डेटा फ्रेम तो अब हमें ये लग गया कि डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए वी नीड दिस डेटा फ्रेम मेथड तो अब हम क्या करते हैं हम डेटा फ्रेम क्रिएट करना शुरू करते हैं सबसे पहले लिस्ट की हेल्प से वैसे तो डेटा फ्रेम जब भी हम बनाते हैं तो ज्यादातर जो बात होती है वो टू डी डिक्शनरी की होती है टू डी डिक्शनरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी भी हो सकती है या डिक्शनरी जब हम लेते हैं तो उसमें सीरीज एज ए वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं तो आगे चल के हम देखते हैं सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैं लिस्ट की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ फिर उसकी इंडेक्सिंग और उसकी लेबलिंग कॉलम लेबलिंग भी करते हैं तो सपोज दैट मैंने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में पैंड की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है लाइक इंपोर्ट एज पैंडी इसके बाद मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें कुछ मैं वैल्यूज दे, दे देता हूँ कुछ इस तरह से टेन ट्वेंटी थर्टी एंड इसके बाद में सपोज मैं सिर्फ एक ही लिस्ट को यहाँ पे रखता हूँ अगर आप लिखते हैं डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर जाके आप इस L1 को पास कर दें और जब आप इस सिंपल कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल फाइंड कि हमारे डेटा फ्रेम में सिर्फ एक कॉलम क्रिएट होगा 10, 20 एंड थर्टी और बाई डिफॉल्ट इसका जो कॉलम का लेबल होगा वो जीरो हो जाएगा और जो रो की इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी लाइक जीरो सिंपल लिस्ट देने का पर्पज ये है कि जब आप कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यू पास करें या जैसे आपने ये एक लिस्ट ली तो बाय डिफॉल्ट ये एक कॉलम का फॉर्म लेता है ना कि रो का कई बार हो सकता है कि हम कंफ्यूजन में कुछ इस तरह से अगर यही लिस्ट के द्वारा आप डेटा फ्रेम क्रिएट करें और अगर आप लिखते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी और कॉलम की लेबलिंग दे दे जीरो वन टू और यहाँ पे रो का नंबर दे जीरो सो ये क्या होगा पूरी तरह से गलत होगा तो आप ध्यान रखें कि जब आप कोई लिस्ट ले रहे हैं मतलब वो इस तरह से कॉलम का फॉर्म क्रिएट करता है तो जैसा अभी आपने देखा कि जब हमने इस लिस्ट को प्रयोग किया और डेटा फ्रेम बनाया तो डिफॉल्ट इसका एक कॉलम लेबल हुआ और डिफॉल्ट रो नंबर हो गई अगर आप चाहते हैं कि आप जो डेटा फ्रेम रेडी कर रहे हैं उसमें आपके जो कॉलम के लेबल्स हों वो आपके खुद के डिफाइन किए हुए हों और रो के जो इंडेक्स हो वो भी आपके खुद के डिफाइन किए हुए तो सपोज मैं सिर्फ इसी एक लिस्ट को लेकर आगे मैं फिर से इसी डेटा फ्रेम को डिफाइन करता हूं इंडेक्स एंड कॉलम्स सो आई कैन राइट कि मैं इसकी जगह यहां पे लिखता हूं डी एफ इक्वल टू मैंने लिया पीडीट देन डॉट लगा के डेटा फ्रेम एंड इसके बाद इसके ब्रैकेट में मैंने इसी एल्बन को यहां पे पास किया कॉमा लगा के चूंकि मुझे कॉलम की लेबलिंग करनी है इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं कॉलम्स ध्यान रखिए इसमें जब भी आप वैल्यू पास करें तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में हो तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है इसलिए मैं इसका नाम सपोज दे देता हूं नंबर्स एंड इसके बाद में अगर मुझे इंडेक्स भी देना है सो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू चूंकि यहाँ पे थ्री रोज हैं इसलिए सपोज मैं इसका इंडेक्स दे देता दे हूं वन रोमन लेटर्स में मैंने डाल टू और रोमन लेटर्स में ही मैं थर्ड ले लेता हूं थ्री लाइक दिस ब्रैकेट क्लोज करूंगा जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे then you will see कि जो रिजल्ट होगा हमारे डेटा फ्रेम का उसमें कॉलम फॉर्म होगा 10, 23 की वैल्यूज के साथ जो हमने यहाँ पे L1 में मेंशन किया इसके कॉलम का जो लेबल होगा दिस टाइम इट विल बी लाइक नंबर्स एंड जो रो की इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी लाइक वन टू एंड थ्री तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हुआ डेटा फ्रेम को बनाने का कि कैसे इसमें आप कॉलम और इंडेक्स और यू नो वैल्यूज को पास करते हैं तो अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट का प्रयोग करते हुए डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे सपोज मैंने सबसे पहले फिर से अपनी पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया इसके बाद में मैं यहाँ पर एक लिस्ट रेडी करता हूँ एलवन के नाम से जैसे मैंने कहा कि ये नेस्टेड लिस्ट है तो इसमें मैं कुछ वैल्यूज पास करता हूँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला संजय इसके बाद में कॉमा लगा के इसका वैल्यू हमने डाला ट्वेल्व और इसमें हमने डाल दिया एटी इसी तरह से कॉमा लगा के दूसरी इसमें एक लिस्ट पास कर देता हूं जिसमें एक वैल्यू डाल देता हूं रवि इसी तरह से एक और लिस्ट ले लेता हूं ना इसकी बेसिस पे अब मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूं अब मैं यहां पे इसी लिस्ट को पास कर देता हूं और इसके बाद जब आप इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि यहां पर जब हम नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल लिस्ट को पास कर रहे हैं तो ये एज ए रो ट्रीट होगी यहाँ पे तो जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह से आप देखेंगे जैसे कि संजय देन ट्वेल्व देन एटीज इसी तरह से बाकी को भी मैं लिख लेता हूं और इसका जो इंडेक्स होगा डिफॉल्ट इंडेक्स चूंकि हमने यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया सो दिस बी लाइक दिस तो ये कुछ इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होगा तो जो मेन पॉइंट था इस एग्जाम्पल को देने का वो ये था कि कि जब आप केवल एक सिंगल लिस्ट लेते हैं और उसे डेटा फ्रेम में पास करते हैं तो बाई तो डिफॉल्ट एक कॉलम फॉर्म होता है जबकि आप नेस्टेड लिस्ट लेते हैं अर्थात जब मल्टीपल लिस्ट वैल्यूज को आप पास करते हैं अपने डेटा फ्रेम में तो हर एक लिस्ट को डेटा फ्रेम एज ए रो ट्रीट करता है जैसे आप यहां पे देख सकते हैं अब आप चाहते हैं यहाँ पे अपने कॉलम्स का लेबल करना तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप इस डेटा फ्रेम को बनाएं तब आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कॉलम्स इक्वल टू और इसके ब्रैकेट में जैसे लिस्ट में मैंने पास कर दिया है, सबसे पहले नेम फिर मैंने डाला मार्क्स क्लास एंड इसके बाद में मैंने यहां पे डाल दिया परसेंट और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डिफॉल्ट इंडेक्स है वो चेंज होके कुछ इस तरह से नेम सॉरी ये क्लास है और ये यह यहां पर परसेंट कुछ इस तरह से लेवल दिखने लगेगा और इसी तरह से आप रो की इंडेक्स भी कर सकते हैं तो ये तो बात हुई कि कैसे आप डेटा फ्रेम इस्तेमाल करते हैं बेसिक तरीके से लिस्ट का प्रयोग करते हुए अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे दैट इज कि डेटा फ्रेम को हम टू डी डिक्शनरी के द्वारा कैसे करेंगे और टू डी डिक्शनरी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जब आप कोई डिक्शनरी लें तो उसकी जो वैल्यूज होगी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो सकती है या आप सीरीज को एज ए डिक्शनरी पास कर सकते हैं या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी तो एक एक करके इनके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें कुछ इस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट करना है मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने अपने प्रोग्राम में Pandas की लाइब्रेरी को कर लिया है तो मैं सबसे पहले यहां पर एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं डी के नाम से इसके अंदर जाके मैं ये जो तीन कॉलम्स है इनके लिए तीन कीज बनाऊंगा सबसे पहले तो मैं लूंगा नेम्स की को कोलन लगा के अब इसमें जो वैल्यू हम पास करेंगे ये तीनों को एज ए लिस्ट पास कर देंगे सो आई कैन राइट लिख तो तो ये हुआ मेरे नेम्स के लिए दूसरा अब हम इसी तरह से एक की लेंगे क्लास के नाम से और इसमें भी मैं लिस्ट में ये वैल्यूज को पास कर दूंगा कुछ इस तरह से और इसी प्रकार से मैं तीसरी लिस्ट ले लूंगा परसेंट के नाम आई मीन की ले लूंगा परसेंट के नाम से और इसमें भी मैं इन परसेंटेज को पास कर देता हूं तो ये अब मेरी डिक्शनरी रेडी हो चुकी है तो अब इसकी बेसिस पे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं सो आई कैन राइट डीएफ एंड डीएफ इक्वल टू जैसा हम जानते हैं मैं ले लूंगा पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसके बाद में इसके ब्रैकेट में जाके मैं इस डी को पास कर दूंगा जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल नोटिस कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो कुछ इस तरह से जैसे ये टेबल दिख रहा है डिस्प्ले होगा लेकिन एक बात ध्यान रखें ये जो कीज हैं जो आउटर कीज आप देख रहे हैं यहां पर ये एक्चुअली फॉर्म करती हैं किसी भी डेटा फ्रेम के कॉलम अर्थात अगर मैं इसे मैन्युअली यहां पे लिखूं तो आपका जो डिक्शनरी की कीज है वो यहां पे कॉलम का लेबल फॉर्म कर लेंगे नेम क्लास एंड से फॉर एग्जाम्पल परसेंट एंड जो रो है चूंकि हमने रो के लिए तो कुछ भी मैंशन नहीं किया तो उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो डिफॉल्ट हो जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज हैं जैसे यहाँ पे संजय है देन इसके बाद यहाँ पे रवि है देन इसके बाद में रहीम यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगा और बाकी उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज तो ये तो बात हुई कि डेटा फॉर्म हमने कैसे क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो रो की इंडेक्सिंग है चूंकि यहां पे हमने रो नंबर वन टू और थ्री लिया मतलब इसे मैन्युअली चेंज करना होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप डेटा फ्रेम में डी पास कर रहे हैं साथ ही साथ आप यहां पे इंडेक्स इक्वल टू पास कर दीजिए वन कॉमा टू कॉमा थ्री और अब अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर ये यह जो रो की इंडेक्स है वो कुछ इस तरह से वन टू थ्री हो जाएंगी या इस तरह से हमारा कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं टेबल का इस तरह से ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो जाएगा तो ये तो बात हुई कि कैसे हमने लिस्ट का प्रयोग करके इस डेटा फ्रेम को रेडी किया अब इससे पहले कि मैं सीरीज के बारे में बात करूं मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस लिस्ट अगर मैं डिक्शनरी को ही पास करके यहाँ पर वर्क करना चाहूं या डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहूं तो वो कैसे होता है आइए उसे देखते हैं इन द सेंस अब मैं बात कर रहा हूं क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग टूडे डिक्शनरी जहां पर हम डिक्शनरी को ही एज ए वैल्यू पास करेंगे तो मैं फिर से इसी एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूं मैंने आउटर कीज लिया सबसे पहले नेम को एंड कोलन लगा के फिर मैं यहां पे फिर से डिक्शनरी लूंगा लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब आप इंडेक्स क्या करोगे देखिए हमारी वैल्यू है यहां पर संजय और इसका जो इंडेक्स है दैट इज योर वन एक्चुअली देन टू के लिए आप देखिए रवि है और थ्री के लिए रहीम है तो मैं यहां पर इस रो के इंडेक्स को एज ए इनर की इस्तेमाल करूंगा और और फिर मैं यहां पर इसके लिए वैल्यू पास कर दूंगा कुछ इस तरह से संजय और इसी तरह से फिर मैं कॉमा लगा के सेकंड इंडेक्स लूंगा टू और इसके लिए भी मैं यहां पे वैल्यू पास कर दूंगा कुछ इस तरह से रवि फिर थ्री लगा के कोलन लगा के अगला जो नाम है दैट इज माई रहीम मैं उसे पास कर देता हूं तो ये तो हुई मेरी बात पहले हमारे नेम कॉलम के लिए जो हमने पहली डिक्शनरी ली कॉमा लगा के इसी तरह से मैं दू, दूसरी डिक्शनरी लूंगा मैं इसे सिंगल कोटेशन मार्क में रख देता हूं अगला जो हम रेडी करेंगे दैट विल बी माय सेकंड क्लास डिक्शनरी और इसके अंदर भी मैं यहां पर फिर से जो वैल्यू पास करूंगा हमारी रो नंबर वन मतलब इनर जो की है वो वन होगी उसके लिए वैल्यू ट्वेल्व होगी टू के लिए भी वैल्यू ट्वेल्व होगी और थ्री के लिए भी वैल्यू हम ट्वेल्व ले लेंगे इसके बाद ये डिक्शनरी कंप्लीट होगी कॉमा लगाएंगे और तीसरा हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे परसेंट के नाम से और उसकी भी वैल्यू को मैं आगे ले लेता हूं इसमें भी इनर डिक्शनरी में वन सेवेंटी एट टू में हमने डाला 89 और थ्री में हम पास कर देंगे 87 को ये हमारी डिक्शनरी रेडी हो गई देखिए तो अब ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की हेल्प में हमने डिक्शनरी रेडी कर ली सिंपली अब आप डेटा फ्रेम लेंगे डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसके ब्रैकेट में मैं इस डिक्शनरी को पास कर दूंगा जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसी तरह का डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा देखिए जब आप डिक्शनरी को एज ए वैल्यू पास करते हैं किसी डिक्शनरी में मतलब हम टू डिक्शनरी या नेस्टेड डिक्शनरी की बात करें तो जो आउटर कीज होती हैं एज आई सेट की ये हमेशा कॉलम का नाम ले फॉर्म लेती, लेती हैं और जो इनर कीज होती हैं दैट इज ऑलवेज टेकन एज वॉट रो इंडेक्स इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आउटर कीज जो होती हैं इट बिकम्स वॉट कॉलम लेबल फॉर डेटा फ्रेम और इनर कीज जो होती हैं जैसे ये जितनी भी इनर कीज आप देख रहे हैं इट बिकम्स वॉट योर रो लेबल्स तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम बिल्कुल इसी तरह से आएगा जिसमें रो लेबल वन टू थ्री हो जाएगा कॉलम के लेबल होंगे नेम क्लास और परसेंट अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगी ना यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये की जितनी भी इनर कीज हमने रखी है वो सभी डिक्शनरीज के लिए आप देखें सेम है वन टू थ्री सपोज दैट कि मैं यहां पर इस परसेंट डिक्शनरी के लिए एक और यहां पर इनर की ले लेता हूं मैं इसे रेस करके लिख देता हूं सपोज दैट मैं यहां पे लिख देता हूं फोर कोलन नाइनटी उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो जो मैचिंग कीज हैं उसके लिए तो वैल्यूज आ जाती हैं बट जो नॉन मैचिंग की होता है उसके लिए जैसे आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो ये वन टू थ्री तो एज इट इज रहेगा फोर्थ नंबर की जो रो होगी उसमें आप देखें यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर ये मिसिंग वैल्यू आ जाएगा क्लास में भी कोई फोर नंबर की की नहीं है इसलिए यहां पर भी ये मिसिंग हो जाएगा और यहां पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 90 एज ए सेट हो जाएगी तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देगा नाउ यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है वो ये कि अगर कोई सपोज इनर की आपने ऐसी ली जो कि बाकी किसी डिक्शनरी से मैच नहीं हो रही है या अगर कोई नॉन मैचिंग इंडेक्स मिलता है हमारे डेटा फ्रेम के क्रिएशन के दौरान तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो एज ए मिसिंग वैल्यू एडजस्ट कर दी जाती हैं अदर कॉलम्स के लिए या डिक्शनरीज के लिए तो ये तो ही बात हमारे किस तरह से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं टू डी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर आप सीरीज ऑब्जेक्ट को लेकर डिक्शनरी बनाना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं क्रिएट तो जिस तरह से हमने लिस्ट का प्रयोग करते हुए डेटा फ्रेम क्रिएट किया था बिल्कुल वैसे ही हम सीरीज के लिए करते हैं मैं ज्यूम कर रहा हूं मेरी पैंडा की लाइब्रेरी ऑलरेडी इंपोर्टेड है अब इसके बाद में मैं सबसे पहले यहां पर एक सीरीज क्रिएट करता हूं एस के नाम से और हम इसी डेटा फ्रेम को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर सबसे पहले लेंगे पी डॉट सीरीज और इसके अंदर में जाके मैं लिस्ट के फॉर्म में इन वैल्यूज को पास कर देता हूं लाइक दिस संजय देन से फॉर एग्जाम्पल रवि एंड रहीम और इसी तरह से दूसरी सीरीज क्रिएट करता हूं जिसमें हम क्लास की वैल्यू और तीसरी सीरीज परसेंट के लिए ले लेते हैं तो ये तो मेरी तीनों सीरीज रेडी हो गई और हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज की तो अब हम क्या करते हैं कि जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करने जाए तो आप डायरेक्ट उसके अंदर डिक्शनरी ले सकते हैं या फिर मैं एक काम करता हूं मैं यहां पर एक डिक्शनरी बना देता हूं डी के नाम से और यहां पे सबसे पहले मैं ले लेता हूं अपनी कॉलम की की या जो की है नेम के नाम से और इसमें हम पास कर देते हैं एस वन को फिर इसी तरह से बाकी भी ले लेता हूं तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने तीन कीज ली नेम क्लास और परसेंट और उसमें हमने सीरीज को पास किया एस वन एस टू और एस थ्री को अब इसकी बेसिस पे हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर देते हैं डी एफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस डिक्शनरी को और जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल नोटिस कि हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा बस इसमें एक बात का ध्यान रखें जो कीज हैं वो कॉलम फॉर्म कर लेंगी नेम क्लास और परसेंट चूंकि यहां पर हमने कहीं पे भी इंडेक्स की बात नहीं की है इसलिए जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी जीरो वन और टू इसका मतलब ये कि यदि आपको इंडेक्स पास करना है तो इसके लिए आप लिखेंगे डी कोलन यहां पे आप डाल देंगे इंडेक्स इक्वल टू और लिस्ट में आप पास कर दीजिए वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड इसके बाद जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जहां पर जो लेबल्स होंगे आई मीन रो के जो इंडेक्स होंगे वो भी वन टू थ्री इस तरह से रेडी हो जाएंगे तो ये तो बात हुई कि किस तरह से आप सीरीज को प्रयोग करते हुए डिक्शनरी बनाकर और उसकी बेसिस पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और तो अभी आपने देख लिया कि डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करना है डिफरेंट तरीकों से चाहे वो डिक्शनरी की बात करो चाहे आप सीरीज की बात करो नाम एरे की बात करो लिस्ट की बात करो डिक्शनरी ऑफ सीरीज की बात करो वो पूरा प्रोसेस अभी हमने जस्ट देखा नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट की किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो किसके ऊपर में एंड कॉलम्स के ऊपर में तो सबसे पहले जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन की आप बात कर रहे हो तो उसमें मेनली क्या है कि या तो आप एडिशन की बात करोगे मतलब एड करना रो को या कॉलम को इसी तरह से आप डिलीट करने की बात करोगे या रीनेम करने की तो बेसिकली जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे हो इसका मतलब यहाँ पे एडिशन डिलीशन या रिनेमिंग ऑफ कॉलम तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आप क्या कर सकते हैं आप सिंपली हमारे डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है आप यहाँ पे लिखिए स्क्वेर ब्राकेट में इस नए कॉलम का नाम ग्रेड कोलर लगा के इसे बंद कर दीजिए इसके बाद में आप सीधे अगर मान लीजिए फोर्टी डाल देते हो तो फोर्टी अगर आपने डाल दिया मतलब आपने एक स्केलर वैल्यू पास कर दी तो चूंकि ये कॉलम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहां पर एक नया कॉलम बन जाएगा इसके राइट right साइड में मैं यहां पर इसके साइड में यहां पे इसे लिख देता ग्रेड तो इसमें चूंकि तीन वैल्यूज है तो ऑटोमेटिकली यू विल सी पर 40, 40, 40 इस तरह से वैल्यूज डिस्प्ले होने लग जाएंगे मतलब ये नया जो कॉलम है ये यह वो यहां पर एड हो जाएगा अब ये एक बात हुई इसी तरह से मान लीजिए आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग भी दे सकते हैं आप यहां पे लिख दीजिए ग्रेड Grade के बाद चूंकि यहाँ पर ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसलिए ऐड हो गया बाई चांस सपोज आपने यहाँ पर मान लीजिए एग्जिस्टिंग कॉलम है दैट परसेंटेज आप यहाँ पे इस परसेंट को ही ले लीजिए एंड परसेंट में इक्वल टू मान लीजिए थर्टी आपने कर दिया तो यहां पर ये वैल्यूज यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी परसेंट की और यहां पे नया वैल्यू अपडेट हो जाएगा इन द सेंस इट्स नॉट ओनली अबाउट एडिंग न्यू कॉलम आप जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं तो ये हुआ किस तरह से डिफरेंट तरीकों से हम यू नो एड कर सकते हैं अच्छा अगर आप ट्राई करें जैसे देखिए जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करते हैं जैसे आपने प्रिंट किया अब प्रिंट में अगर आप डी एफ डॉट ग्रेड करें तो ये वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाएगा लेकिन डी एफ डॉट ग्रेड अगर लिखा है और इक्वल टू अगर आप फोर्टी कर दो तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा मतलब इस डीएफ डॉट ग्रेड डॉट के द्वारा कॉलम की वैल्यू को एक्सेस की जा सकती है लेकिन आप उसकी वैल्यू से अपडेट नहीं कर सकते या नया कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते किसके द्वारा इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा तो ये तो बात हुआ नया रो कैसे ऐड करना है इसी तरह से नए रो को ऐड करने की भी बात हो सकती है मान लीजिए यहां पर तीन रो है आपको नया चौथा रो चाहिए तो आप कैसे ऐड करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम एल मेथड का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए आप क्या करोगे जैसे आपने लिया डी एफ डॉट एल अब हमें रो नंबर क्या चाहिए नया तो देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है आप नया रो को यहाँ पे ऐड कर रहे हो ठीक है नया रो ऐड एड करोगे तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास जैसे अभी हमने बताया कि कॉलम के लिए तो आप मैंशन कर देंगे लेकिन आप डी एफ डॉट अगर आप ब्रैकेट में फिर से जैसे मान लीजिए आपने लिखा डी एफ डॉट या डीएफ ब्रैकेट और यहां पे फोर डाल दोगे तो इसका मतलब ये कॉलम इसको समझ जाएगा इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे एलओसी का इस्तेमाल करेंगे और एल के अंदर में जाके आप कर दो फोर और उसके बाद इक्वल टू करके से फॉर आपने डाल दिया तो ट्वेंटी और यहां पर आ जाएगा ये फोर ट्वेंटी 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 इस तरह से वैल्यूज जा आ जाएंगे इसी तरह से यदि आप लिखते हो डीएफ डॉट एलओसी मैंने यहां पे डाल दिया फाइव एंड इसके बाद आप लिस्ट में वैल्यू पास कर दो जैसे यहां पे डाला आपने राजा

हम जब नए रो कॉलम को ऐड करते हैं उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए इसके बाद में जब बात आ रही है हमारे अच्छा एक बात और कि हम चाहे तो हालांकि वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअली अगर किसी वैल्यू को चेंज करना है जैसे आपने डाला डी एफ डॉट एल ओ सी हमने यहाँ पे लिखा टू कॉमा लगा दीजिए अब कॉमा लगाने के बाद मान लीजिए मेरी क्लास है यहाँ पे आपने डाल दिया क्लास अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप डाल देते हो थर्टी तो ये क्या करेगा इस क्लास का रो नंबर टू मतलब सिर्फ इसको मान लीजिए ये फोर्टी होता तो ये इसको केवल सिर्फ इस वैल्यू को अपडेट करता आगे चल के डिटेल में इसको बताता हूं फिलहाल ये हुआ रो और कॉलम को कैसे हम नया ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स अब आपने ऐड करना तो देखा डिलीट अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे तो डिलीट के लिए एक स्टैंडर्ड मैथड वैसे दो मेथड्स होते हैं हमारे पास में एक होता है डेल एक होता है हमारे पास में ड्रॉप मेथड डेल जो होता है दैट इज यूज फॉर डिलीटिंग वॉट योर कॉलम्स रिमेंबर दिस एंड ड्रॉप के द्वारा आप रोज एंड कॉलम्स दोनों को कर सकते हैं यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप डिफॉल्ट की बात करें मतलब ये बाई डिफॉल्ट किसको डिलीट करता है हमारा ड्रॉप मेथड तो ये रो को करता है एंड डेल इज ऑनली फॉर दिस कॉलम्स दोनों का तरीका मैं आपको बता दूं जैसे मान लीजिए आपका ये डेटा फ्रेम है आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पे लिखा डेल या यहीं पे लिख देता हूं मैंने किया डेल एंड इसके बाद में हमारा डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ आप इसके बाद इसका ब्रैकेट लगाइए ब्रैकेट में आप पास कर दीजिए हमारे इस क्लास को इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्लास जो है यहां से डिलीट हो जाएगी सिर्फ नेम और परसेंटेज यहां पे बचेगा अब ये तो हुआ डेल मेथड इसके बाद में ड्रॉप मेथड की बात करते हैं हमने लिया डी एफ डॉट लगाया ड्रॉप अब बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला कि ये रो को डिलीट करेगा तो अब अगर आप यहां पे लिखते हो डीएफ डॉट ड्रॉप टू टू मैंने क्यों लिया क्योंकि यहां पर इसकी लेबलिंग टू से है तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे आई मीन एंटर करोगे ये सेकेंड रो यहां से क्या हो जाएगी पूरी डिलीट हो जाएगी ये हुआ एक तरीका अब मान लीजिए आपको ड्रॉप के द्वारा कॉलम को क्या करना है डिलीट करना है परसेंटेज को तो यदि आप लिखते हो डीएफ डॉट ड्रॉप और इसके ब्रैकेट में यहां पे जाके आपने लिख दिया परसेंट एंड परसेंट डालने के बाद में अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो ये क्या सोचेगा कि ये कोई रो है तो उसमें एरर आ सकता है चूंकि हमें कॉलम डिलीट करना है इसलिए इसके साथ में हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होगा एक्सिस और कॉलम के लिए हम जानते हैं हम वन को पास कर देंगे तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये यहां से इस परसेंट को डिलीट कर देगा हाँ अगर आप चाहें तो डीएफ एक्सिस इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं जैसे डीएफ डॉट ड्रॉप अभी मैंने टू किया था अगर मैं यहाँ पे वन करूं और एक्सिस इक्वल टू जीरो कर दूं Then अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो भी ये वन नंबर रो को डिलीट करेगा लेकिन जरूरत you know, मतलब नहीं पड़नी चाहिए मेंशन हाँ, करना होगा ड्रॉप के साथ में या फिर आप सीधे इस डेल मेथड का भी प्रयोग करके कॉलम को डिलीट कर सकते हैं तो ओवरऑल ये बात हुई कि कैसे आप डिलीट कर सकते हैं अगली हमारी बात है रिनेम करने की भाई आपने डिलीट सीख लिया ऐड करना सीख लिया रीनेम कैसे करेंगे तो इसके लिए सिंपल एक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं रीनेम रीनेम के अंदर में जो इसका तरीका है दो बातें आप ध्यान रखें एक तो आपको डिक्शनरी पास करनी है किसकी डिक्शनरी डिक्शनरी ऑफ इंडेक्स क्यों डिक्शनरी ऑफ इंडेक्स क्योंकि यहां पर हम जब की वैल्यू का पेयर देंगे तो ओल्ड वैल्यू कोलन न्यू वैल्यू ये इस तरह से हम पेयर रेडी करते हैं तो ये इसकी मैपिंग हो जाती है बाई डिफॉल्ट तो ये हुआ मेरा डिक्शनरी में वैल्यू पास करना और आपको यहां पर एक चीज और पास करनी पड़ेगी दैट इज योर एक्सिस और एक्सिस में अगर रो डिलीट करनी है तो आपको इंडेक्स पास करना होगा कॉलम डिलीट करना है तो यू हैव टू पास दिस एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स तो अब जैसे मान लीजिए इस नेम क्लास और परसेंट को आपको चेंज करना है आप क्या लिखेंगे डी एफ डॉट लगाएंगे रिनेम एंड रिनेम के बाद में यहाँ पे डिक्शनरी लीजिए हमारा जो ओल्ड है दैट इज माई नेम कोलन लगा के जैसे मैंने डाल दिया एन फिर कॉमा लगाइए इसके बाद में बाकी सबको ले लीजिए मैं लिख देता हूँ क्लास कोलन सी एंड कॉमा लगा के इसको मैं डाल देता हूँ परसेंट परसेंट के बाद कोलन लगा के इसको कर देते हैं पी तो ये मेरी डिक्शनरी तैयार हो गई कॉमा लगाएंगे इसके आगे आप लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू माई चूंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा हमारा कॉलम्स इसके बाद ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एन जो है वो एन हो जाएगा ये सी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा तो ये अपडेट हो गया इसी तरह से रो के केस में आप क्या करते हैं डी एफ डॉट करेंगे ब्रैकेट में जाएंगे कली ब्रैकेट ओपन करेंगे मतलब डिक्शनरी यहाँ पे जैसे वन को आपने टेन किया टू को आपने ट्वेंटी किया थ्री को आपने थर्टी कर दिया ये मैपिंग हो गई कॉमर डाल के आप लिख देंगे axis इज इक्वल हमारा यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा इसको इन्वर्टेड में डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये की वर्ड्स हैं अब इसके बाद में यह ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसे एग्जीक्यूट करिए ये भी जो होगा दस बीस 30 हो जाएगा तो ओवरऑल दिस इज हाउ हम समझ सकते हैं कि कैसे हम रिनेम कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन इसका हम देख लेते हैं पाइथन शेल पे चल के तो नाउ यू कैन सी ये मेरे यहाँ पर डेटा फ्रेम बना हुआ है ठीक है अब सबसे पहले बात कर रहे थे हम डी एफ डॉट अब जैसे मैं सबसे पहले आपको रिनेम करके दिखा देता हूँ अब रिनेम में क्या करना है मुझे ये जो रो के लेबल्स हैं इसको चेंज करना है सौ दो सौ तीन सौ आप डिक्शनरी लगाओ मैंने यहाँ पे दस लिया इसको कैलेंट किया सौ कॉमा लगा के बीस किया चलो दो ही को कर लेते हैं अपन इसको दो सो कर लेते हैं ठीक है डिक्शनरी डाली और यहाँ पर अब इसके बाद में हम डाल देते हैं एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करो एग्जीक्यूट करो तो इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड क्यों भाई क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार एक बार पूरा ले लेते ले 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 हैं अपन ले लेते ले 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 हैं डी रफ डॉट रीनेम एंड इसके बाद में मैं इसके अंदर जाके अब जल्दी से पहले ये टाइप कर लेता हूँ ये मैंने टाइप कर लिया है एक बार आप फिर से एग्जीक्यूट करो सो आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक ये ये हो गई कि हम हम जो इंडेक्स है इसको हम ले लेते हैं इस सिंगल कोटेशन में अब अगर आप तो आप करोगे तो देखो यहाँ पे सौ दो सौ आ गया मतलब ये रीनेम हो गया तो मैंने ये जो आपको बताया इंडेक्स और यहाँ पर जो कॉलम है इसको आप सिंगल कोटेशन पे यहाँ पे रख लेंगे जिसको मैंने कोटेशन मार्क यहाँ पे नहीं डाला तो हम इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे तो फिर से अब डेमो कर लेते हैं तो ये तो हुआ मेरा रीनेम किसका किया हमने अभी हमारे कॉलम सॉरी रो को किया अब हम कर लेते हैं हमारे एक दो कॉलम्स को तो हमारा कॉलम जो है दैट इज रोल नंबर तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ आर एन ओ कोलन लगा के आर ओ एल एल एन ओ ठीक है और कॉमा लगा के दूसरा एक और ले लेते हैं जिसको हम एज ले लेते हैं एज को हम कर देते हैं एजेस ठीक है अब इसके बाद में यहां पर हम दे देंगे एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स तो हमने यहाँ पे कर दिया कॉलम्स ठीक है ब्रैकेट को क्लोज करिए एंटर करिए तो देखिए आप ये रोल नंबर हो गया ये हमारा एजेस हो गया तो ये तो हुई बात रीनेम की मैं डीएफ को फिर से ट्राई आपको दिखा देता हूं तो ये मेरा डेटा फ्रेम है अब अगर आप इसमें डी डॉट से फॉर एग्जाम्पल या डेल करिए मुझे एक कॉलम डिलीट करना है ग्रेड तो मैं क्या लिखूंगा डी एफ इसके ब्रैकेट में जाके यहां पर डाल दूंगा ग्रेड एंड इसके बाद में आप इसे एग्जीक्यूट करिए तो देखिए डीएफ प्रिंट करिए तो देखिए हमारा ये ग्रेड यहां से चले गया इसी तरह से यदि आप डेल के द्वारा रो को डिलीट करने का प्रयास करें मैं ले लेता हूं डीएफ ब्रैकेट में जाके मैं अगर से थर्ड सेवेंटी ले लेता हूं एंटर करेंगे एरर शो कर रहा है की एरर मैं डीएफ फिर से ले लेता हूं अभी देखिये वापस आ गया मतलब डेल के द्वारा आप रो को डिलीट नहीं कर सकते आप क्या कर रहे हैं सिर्फ कॉलम को तो जो सबसे बढ़िया मेथड है हमारे पास में वो होता है ड्रॉप अब ड्रॉप में जैसे हमको क्या डिलीट करना है सेवेंटी नंबर को करना है बाई डिफॉल्ट डायरेक्ट डालिए देखिए सेवेंटी यहाँ से नीचे चले गया सिक्सटी के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसी तरह से डी एफ डॉट मान लीजिए कॉलम डिलीट करना है तो उस सिचुएशन में आप लिखते हैं डी एफ डॉट ड्रॉप अब हमने यहाँ पे ले लिया से एज ले लेते हैं अब एज को हमको डालना पड़ेगा इस तरह से एंड इसके बाद में यहाँ पर हमको लिखना होगा एक्सिस इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं वन एंड इसके बाद में एंटर करिए तो ये देखिए हमारा यहाँ पर एक्स जो एज कॉलम है वो भी चलेगा तो ये हुआ हमारा ड्रॉप मेथड अब बात आती है ऐड करने की अब हम फिर से ले लेते हैं एज लेकिन इसको हमको लेना होगा इस तरह से और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ सेवेंटी एट डाल दूँ और डीएप प्रिंट करूँ तो देखिए सभी की ये सेवेंटी एट आ गई तो ये हुआ स्केलर इसी तरह से यदि मैं फिर से लू एज अब देखिए ये बन चुका है अब हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं तो मैंने डाला तेईस चौतीस तिरालीस तेईस बारह और मान लीजिए टोटल हमारी कितनी वैल्यूज हैं सेवन वैल्यूज तो हमने ली तीन दो पांच फोर्टी फोर इलेवन अब एंटर करें और डीएफ करें तो देखिए ये वैल्यूज अब इस तरह से अपडेटेड हो चुकी हैं इसी तरह से आप रो के साथ भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया डीएफ लेकिन एलओ सी लगाना पड़ेगा हमने लिया डॉट एलओसी और यहाँ पर हम कर देंगे 80 एंड इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 12 डाल दें वैल्यूज अपडेटेड है अब आप डी करें तो देखिए ये एटी यहाँ पर आ चुका है इसी तरह से सेम वही पैटर्न है एल करें अब मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर रो के पर्टिकुलर कॉलम मतलब आ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एज जो है मेरी 34 है 20 नंबर रो एज कॉलम इसको बदल के साठ करना है तो हम क्या करेंगे 20 नंबर रो कॉमा लगा के एज ले लीजिए और इक्वल टू आप कर दीजिए सिक्सटी एंटर करिए डीएफ प्रिंट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये यह आ गया तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं साथ ही साथ रीनेम भी कर सकते हैं उसके इंडेक्सेस को तो ये बात हो गई हमारे रो या ऑपरेशन की आगे बढ़ते हैं और स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देखते हैं अभी हमने देख लिया कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट्स थ्रू इंडेक्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जब आप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करते हैं तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं अब जब आप इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो तो इसमें सबसे पहले तो बात हो रही है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग की सर पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग इज वॉट बेसिकली तो यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू को एक्सेस करना किसी भी डेटा फ्रेम की वैल्यू को एक्सेस करना आपके पास ये डेटा फ्रेम है आप रो वाइज वैल्यू एक्सेस कर सकते हो कॉलम वाइज वैल्यू को एक्सेस कर कर सकते हो या फिर रो और कॉलम दोनों के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं तो जब आप लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग लेबल का मतलब है कि मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम लिया अगर आप जाते हो और इसके अंदर में जाके सीधे आपने पास कर कर दिया क्या तो यहाँ पर यह क्या तो पर देगा इस कॉलम आई मीन इस कॉलम की जो वैल्यू है दैट इज नेम को ये सबको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा दूसरा यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना मान लीजिए आपने लिखा डी हमने डाला नेम एंड इसके बाद में आप

तो ये क्या करेगा यहाँ पर इस वन और थ्री को डिस्प्ले कर देगा हालांकि एलओसी के द्वारा हम स्लाइसिंग करके या फिल्टरिंग का काम भी कर सकते हैं तो आगे चल के मैं बता रहा हूं बट बहरहाल लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब लेबल का प्रयोग करके उनकी वैल्यूज को एक्सेस करना इसी तरह से आप अपने प्रोग्राम में बुलियन इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं जरा सा उसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ वास्तव में बुलियन इंडेक्सिंग क्या है जैसे देखिए जब आप कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं मैंने ये डेटा फ्रेम बनाया पी डी डॉट यहाँ पर डेटा फ्रेम लगाया इसके अंदर में मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी पास की वन कोलन एंड इसमें यहाँ पे लिस्ट दे दीजिए टेन ट्वेंटी इसके बाद में टू कोलन यहाँ पे आपने डाल दिया थर्टी पमा फोर्टी अब ये मेरा एक डेटा फ्रेम तैयार हो गया अब हम ये चाहते हैं कि इसमें यहाँ पर ये जो वन टू है अगर आप इसको अभी एग्जीक्यूट करोगे ब्रैकेट क्लोज करके तो ये डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से बनेगा आपका दस बीस ये हो जाएगा मेरा तीस चालीस यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी जीरो वन ये वन टू चूंकि हमने बनाया लेकिन अगर आप यहाँ पे ये डिक्शनरी को यहाँ क्लोज करते कॉमा लगाते और यहाँ पर आप लिख देते इंडेक्स इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट में ट्रू कॉमा फॉल्स एंड इसके बाद में फिर से यहाँ पे आप कर देते फॉल्स अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते तो ये क्या हो जाता सो चूंकि यहाँ पे दो ही है तो इसको मैं थोड़ा मिटा दूंगी यहाँ से अब आप इसको क्लोज कर दो तो यहां पर अब आप देखते कि इसकी इंडेक्सिंग होती लाइक दिस ट्रू फॉल्स तो ये एक तरीका है हमारा इसे क्लोज कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट को ये इंडेक्सिंग हमने असाइन की दूसरा यहां पर ये जो बुलियन इंडेक्सिंग की बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है कि हम क्या बुलियन इंडेक्सिंग में वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं ट्रू फॉल्स में देखिए क्या है कई बार क्या होगा जैसे ये परसेंटेज है हमने लिखा डी यहां पर हमने ये ब्रैकेट डाला इसमें हमने डाल दिया परसेंट इसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या दिखा देगा ये तो ये दिखाएगा ये परसेंट हेडिंग मतलब कॉलम देन 78, 89 और यहाँ पे 87 और इसकी जो इंडेक्सिंग है रो की तो ये दिखा दिया ये वैल्यू लेकिन अगर मैं लिखता डी एफ और यहाँ पे कर देता परसेंट एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता ग्रेटर देन और से फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता एटी तो क्या इसका आंसर आता उस सिचुएशन में ये दिखाता परसेंट परसेंट के बाद में चूंकि सेवेंटी एट ज्यादा बड़ा नहीं है एटी से तो ये यहाँ पे फॉल्स दिखाता है बाकी दोनों को ये क्या कर देता ट्रू दिखा देता तो ये एक्चुअली बताना चाह रहा है आपको आपकी एनसीआरटी की बुक कि भाई आप बुलियन इंडेक्सिंग क्या कर रहे हो यहाँ पर तो ये हुआ मेरा और जो भी इसकी इंडेक्सिंग है वो तो आप कर ही देंगे तो ये एक फंडामेंटल है बुलियन इंडेक्सिंग का मैं एक बार आइडियली शेल पे चलता हूँ और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं तो ये मेरी आइडिया आ गई ये मेरा डेटा फ्रेम है मैं एक बार फिर से इसे रन करके देख लेता हूं अब देखो आप डीएफ लिया आपने यहां पे मार्क्स है मैं इसके ब्रैकेट में जाके लिख देता हूं मार्क्स और मैं ग्रेटर देन कर देता हूं से फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी ठीक है अब इसको पहले ठीक से हम लिख लें मार्क्स हो गया हमने कर दिया सेवेंटी एंटर करें ये डी आ गया तो देखिए ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आंसर आ रहा है अब यहां पर एक मजे की बात यह कि आपने डीएफ लिया इसके अंदर में आपने डीएफ लगाया और इसका फिर हमने मार्क्स लिया एंड इसके बाद में इसे क्लोज किया और ग्रेटर देन हमने कर दिया सेवेंटी फिर डीएफ को क्लोज करके एंटर किया अब आप देखेंगे यहां पर exactly हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इस बुलियन इंडेक्स या कंपेरिजन के द्वारा आप स्पेसिफिक वैल्यूज को भी फिल्टर कर सकते हो सो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल जो अभी हम कहना चाह रहे थे तो ये एक फंडामेंटल आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्लाइसिंग की तो देखिए स्लाइसिंग जब आप करते हैं तो दो मेथड है एलओसी और एक होता है आई पहले हम एलओसी की बात करते हैं तो एलओ का मतलब है जहां पर आप लेबल को यूज करके क्या करते हो फिल्टरिंग का काम करते हो या स्लाइसिंग का क्या करते हैं आप काम करते हैं तो अब इसमें क्या होगा लेबल में अब इसका जो तरीका वो एक्चुअली क्या है हमने डेटा फ्रेम लगाया डॉट लगाया एल ब्रैकेट में पहले आप रो की रेंज दे सकते हो फिर कॉमा लगा के कॉलम की रेंज आप देते हैं अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जैसे आपने लिया डीएफ डॉट एल केवल आप रो रेंज दे दो या केवल जैसे आपने डाला वन जो हम पहले भी देख चुके हैं तो ये केवल वन नंबर रो को डिस्प्ले करेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लिखते हो डीएफ डॉट एल अब आपने डाला वन कोलम थ्री तो यहां पर ये देखिए यहां पर ये लेबल्ड इंडेक्सिंग हो रही है तो ये थर्ड को भी इंक्लूड करेगा तब ये वन टू और थ्री तीनों को दिखाएगा अब अगर आप लिखते हो डी मैंने बोला 1, 3, लगा के सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है तो आप सिर्फ नेम ले लो अब अगर आप रन करोगे तो ये सिर्फ इतने पार्ट को क्या करेगा दिखा देगा आपको अब अगर आप लिखते हो डीएफ डॉट वन कोलन थ्री और यहां पे आप लिख देते हो नेम कोलन आप दे दो क्लास चूंकि यहां पे दो कॉलम है तो उतना डिफरेंस समझ में ना आए लेकिन फंडामेंटल जो है वो समझें आप आपने वन कोलन थ्री दिया नेम कोलन क्लास किया तो ऐसी सिचुएशन में ये वन से थ्री प्लस क्लास मतलब ये इतने पूरे को सबसेट को जनरेट कर देगा हमारे डेटा फ्रेम के सो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलओसी इसी तरह से आई की जब आप बात करोगे तो आई क्या करता है पोजिशनल इंडेक्स का इस्तेमाल करता है पोजिशनल इंडेक्स का मतलब हम बात कर रहे हैं कि इसकी हमारे डिफॉल्ट इंडेक्स की अब चाहे आप यहाँ पे लेबल लगाइए चाहे ना लगाइए अब देखिए इसमें एक बात और ये भी है कि जो एंड लेबल होता है या जो एंड इंडेक्स होता है ये हमारी स्लाइसिंग में क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने लिखा डी एफ डॉट आई अब मान लीजिए आपने लिखा जीरो तो डिफॉल्ट क्या है जीरो तो पर ये टू को क्या कर देगा एक्सक्लूड तो आंसर देगा सिर्फ ये फर्स्ट को आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा इसी तरह से अगर आप लिखते हैं डी एफ डॉट आई एल ओ सी हमने लिया जीरोन टू कॉमा लगा के फिर से जीरो कोलन टू तो यहां पर ये क्या करेगा जीरो मतलब और वन मतलब नेम और क्लास मतलब ये इसका सबसेट क्या कर देगा जनरेट कर देगा तो ये एक बेसिक पॉइंट है हमारे स्लाइसिंग का मैं इसको एक बार फिर से आइडियली में आपको बना के दिखा देता हूं ये हम आगे आइडियली में मैंने डेटा फ्रेम फिर से अपना दिखा दिया अब मैंने बात की सबसे पहले एलओ की यहां पर मैंने सबसे पहले देखिए नेम लिया एक एक करके देखते हैं हमने नेम को लगाया एंटर किया क्या गड़बड़ आ रही है देखिए क्योंकि लेबल है तो पहले ले नहीं सकते तो क्या करें डीएफ डॉट एलओ सी डी एफ डॉट एल ओ सी ब्रैकेट में पहले आप कोलन लगाओ कॉमा लगा के फिर आप नेम दे दो तो आप देखिए ये कॉलम की वैल्यू इस तरीके से आपको दिखाएगा अब df.loc करो हमारा जो कॉलम है हमने बोला 10 से लेकर 30 की वैल्यू को दिखाओ तो देखिए फर्स्ट थ्री रोज़ को दिखा रहा है df. loc हमने बोला 20 से लेकर 30 तक के रिकॉर्ड्स कोलन डालिए मैंने 30 डाला या 30 में नहीं इसको 50 करिए देन कॉमा लगा के हमने बोला नेम से लेकर देखिए ये सीक्वेंस की बात हो रही है क्योंकि जब आप कोलन लगा रहे हैं मतलब सीक्वेंस दिखाएगा तो हमने नेम लिया से लेकर हमने यहाँ पे कर दिया मार्क्स को तो मार्क्स को भी आप सिंगल कोटेशन में डाल दीजिए ये ब्रैकेट डालिए एंटर करिए ये, कर ये, ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्लाइसिंग हो गई अब डी एफ डॉट एल ओ सी या आई एल ओ सी आप करें अब इसमें आप ब्रैकेट डालें इसके बाद में हमने यहाँ पर आई एल ओ सी में डाला वन कोलन फोर अब आप देखें क्या आंसर दिखा रहे मतलब 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 तो देखिए सेकंड जीरो पे देखिए ये मेरा थ्री मतलब मतलब कर रहा है तो ये है मेरा यू नो पोजिशनल इंडेक्सिंग डी एफ डॉट एल ओ सी सॉरी आई एल ओ सी आप लीजिए एंड इसके बाद में यहां पर आप डाल दीजिए वन कोलन थ्री कॉमा लगा के वन कोलन थ्री अब आप देखेंगे आपको नेम और एज को इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है तो ये एक स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है अब यहां पर ये चूंकि हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा वेरिएशन आपके साथ डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं मेरे जो एमसी वगैरह की सीरीज है मॉक टेस्ट है सैम्पल पेपर है उनमें और बेहतर तरीके से इसकी मैंने चर्चा की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ और अब हम बात करेंगे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट का मतलब क्या है बेसिकली एट्रीब्यूट इज ऑल अबाउट यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा फ्रेम अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शेप दूसरा आपका है वैल्यू तीसरा है आपका साइज देन द नेक्स्ट इज वॉट योर ट्रांसपोज देन हैसनेस देन इसके बाद एम्पटी ये कुछ एट्रीब्यूट है शेप का मतलब जो आंसर रिटर्न होगा रोज कॉमा कॉलम्स के फॉर्म में लेकिन ये होगा एक टपल के फॉर्म में वैल्यू जो होती है वो एरेस के फॉर्म में रिटर्न होगी आपका जो भी आपने डेटा फ्रेम बनाया साइज जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले कर देगा ठीक है देन आपका ये ट्रांसपोज क्या करेगा तो आप जानते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देगा हैज नैन ये क्या करेगा रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपके डेटा फ्रेम में कहीं पर भी कोई मिसिंग आई मीन मिसिंग वैल्यू एन वैल्यू एग्जिस्ट करती है एमपीटी अगर आपका डेटा फ्रेम क्या है एमपटी है तो यहां पर ये यह आंसर क्या कर देगा आपको ट्रू रिटर्न कर देगा तो ये चीजें एक बार प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे एक बार देखते हैं सो दिस इज माई डेटा फ्रेम मैं सबसे पहले आपको बताता हूं डीएफ डॉट शेप करके तो देखिए ये रोज एंड कॉलम्स में टपल के फॉर्म में आंसर दे रहा है इफ यू टेक डी एफ डॉट से साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया देन इफ यू टेक डी एफ डॉट से एम्पटी तो ये आपको फॉल्स बता रहा है अगर आप देखते हैं डी एफ डॉट कैपिटल में टी तो ये ट्रांसपोज इनकम्प्लीट इनपुट मैंने एक्चुअली ये डॉट लगा दिया सॉरी उसके आगे कोटेशन लग गया अब देखिए ये ट्रांसपोज हो गई वैल्यूज तो आप देख सकते हैं रो वाला कॉलम कॉलम वाला रो में पलटी हो गया अब अगर आप देखते हैं डी एफ डॉट से फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज सो ये वैल्यूज आप ले लीजिए एंटर करिए सॉरी डी एफ डॉट वैल्यूज तो ये देखिए कुछ इस तरह से एरे के फॉर्म में आंसर आ जा रहा है इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं डी एफ डॉट लगा के देर इज अ वेरिएबल एन सॉरी एट्रीब्यूट एन बाइट देन यू सी वॉट तो एन बाइट यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है सो बेसिकली ये चार पांच एट्रीब्यूट हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं लगे हाथ यहाँ पर एक मेथड है जिसे हम जानते हैं डी एफ के नाम से तो अगर आप लेंथ फाइंड करेंगे तो एक टोटल नंबर ऑफ रोज दिखाएगा देखिए डी एफ है आपने लेंथ लिया आपने डी पास किया तो ये इस तरह से आंसर आ रहा है अगर आप डीएफ डॉट काउंट करेंगे तो ये रो वाइज आपको मतलब कॉलम वाइज इंडिविजुअल रो काउंट करके दिखा देगा टोटल सम उनका दिखा देगा तो दिस इज योर काउंट मेथड इस बात को भी ध्यान रखें डीएफ डॉट हेड करेंगे टॉप ऑर्डर रोज देनी है टू दे दीजिए तो टॉप टू दिखा रहा है टी डॉट टेल करेंगे टू कर देंगे पास तो इस तरह से ये वैल्यूज को आपको दिखा देगा सो दीज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड मैथड्स वी कैन यूज इन डेटा फ्रेम यहाँ पर आई गेस एक मिस्टेक मैंने ये की कि जो है ये यहाँ पर एक्चुअली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आई गेस सीरीज के साथ अप्लाइड होता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मुझे करेक्ट करेंगे एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे इसको तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं का इसका भी क्वेश्चन तय है तो इसे आप इग्नोर प्लीज मत करिएगा देखिए जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हमारे पास एक डेटा फ्रेम है एक है डॉट सी फाइल या तो आप डेटा फ्रेम से सीएसवी फाइल को बनाओगे या सीएसवी फाइल से आप क्या करोगे डेटा फ्रेम बनाओगे तो जब आप डेटा फ्रेम से सीएसवी फाइल को बना रहे हो मतलब डेटा फ्रेम से डेटा क्या हो रहा है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और सीएसवी फाइल से जब डेटा फ्रेम बन रहा है मतलब आप डेटा फ्रेम में क्या कर रहे हो डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तो जब आप डेटा एक्सपोर्ट करने की बात करोगे इसका मतलब हम यहां का और जब आप इंपोर्ट करने की बात करोगे मतलब जब आप CSV से डेटा फ्रेम बनाओगे तब हम इस्तेमाल करेंगे पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर सीएसपी फाइल का यहां पर ये यह हो जाता है डीएफ डॉट ठीक है हालांकि ये पैथर्न का ही पार्ट है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो रीड अंडर स्कोर सीएसपी इंपोर्ट के लिए हो गया मतलब इंपोर्ट के लिए हो गया और एक्सपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 underscore csv और इसके लिए हम इसको प्रीफिक्स करते हैं df के साथ में और जो रीड underscore csv होता है दैट वी एक्चुअली प्रीफिक्स विदाउट आई मीन प्रीफिक्स विद pd के साथ में ठीक तो, है pd मतलब जो आपका पेंडास का ऑब्जेक्ट होता है नाउ यहाँ पर दो-तीन बातें और ध्यान रखनी है जब आप डेटा एक्सपोर्ट करते हैं उस समय हमारा सेपरेटर आप क्या रखना चाहते हैं मतलब डेटा फ्रेम से जब csv फाइल बनेगी तो देखिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट कॉमा रहेगा अगर आप इसे पास करेंगे तो ठीक जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगल बगल में कोई नॉइस है प्लीज इग्नोर इट सॉरी फॉर दैट धन्यवाद तो अब ये मैंने बोला कि सेपरेटर अगर नहीं लगाओगे तो डिफॉल्ट कॉमा ले लेगा अब मान लो आप सी फाइल बनाना चाहते हो एट दी रेट के लिए तो एट ऐट रेट के साथ में तो आप सेपरेटर ले लो दूसरा इसमें एक आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं हेडर का हेडर को हम करते हैं फॉल्स या ट्रू फॉल्स का मतलब ये हो गया कि जो हेडर है जैसे मान लो ये मेरा डेटा फ्रेम है अब आपने सीएसपी फाइल बनाई तो आपको ये हेडर उसमें नहीं डालना है ठीक है तो आप इसके हेडर को क्या कर दोगे फॉल्स कर दोगे और इसी तरह से अगर मान लो रो लेबल आपको नहीं चाहिए तो आप इसके लिए इंडेक्स पास कर देते हो इंडेक्स में फॉल्स कर देते हो तो ये हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट के साथ में इंपोर्ट जब आप करते हैं मतलब मान लो ये इस तरह से सीएसवी फाइल है जो ग्रीन कलर में आपको टेबल दिख रहा है इससे अगर आप डेटा फ्रेम बनाओगे ठीक है तो यहां पर सॉरी पी डी डॉट रीड अंडर सी एस पी जब आप यूज करोगे तो इसमें आप हेडर का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको आपको लिखना होता है जीरो मतलब जब आप सीएसपी से फाइल इंपोर्ट कर रहे हो मतलब सीएसपी का डेटा जब आप इंपोर्ट कर रहे हो डेटा फ्रेम में तो आपको कितनी रोज नहीं चाहिए अगर आप जीरो कर दोगे तो ये ऊपर वाली रोज चले जाएगी अगर आप वन टू कर देते हो जीरो की जगह सपोज मान लो टू कर दोगे तो पहली दूसरी और तीसरी टॉप ऑर्डर की तीन रोज जो है आपके डेटा फ्रेम में इंक्लूड नहीं होगी तो ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक बार आईडीएलई में या पैथन शेल पे तो हमको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा मैं आईडीएलई में चलता हूँ हाँ वहां आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ देखो मेरे आईडीएलई में आ चुका हूं मैं मतलब शेल में आ गया हूँ मैं डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ ये मेरा डेटा फ्रेम बना हुआ है अब मैं अपना सी ड्राइव दिखाता हूँ सी ड्राइव में मेरा ये सैन नाम का फोल्डर है इसके अंदर मैं सी एस पी फाइल पहले क्रिएट करूंगा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पर मैं जाके सीधे लिखता हूँ डी एफ डॉट हमने बोला टू अंडर स्कोर सी एस पी फाइल का पाथ मुझे देना पड़ेगा इन्वर्टेड किया सिंगल कोटेशन में तो मैं सी कोलन कर देता हूँ उसके बाद स्लैश लगा के मेरा फोल्डर का नाम है सैन स्लैश लगा के मतलब जो भी फाइल का नाम देना है तो जैसे मैंने डाला ई एक्सपी डॉट सी एस पी आप डाल दीजिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करो ये देखिए ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया एक बार मैं चलता हूँ अपने आ, फोल्डर के अंदर सैन के अंदर देखिए ये ई एक्सपी बन गया है अब आप राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लो आप एक्सेल में भी देख सकते हैं बट नोटपैड में मुझे थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो आप देखिए ये पूरा का पूरा एज इट इज डेटा फ्रेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया सेपरेट हो गया कॉमा से सो so, अब ये तो हुआ एकदम डिफॉल्ट प्लेन हमारी ई अब हम इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं ये करते हैं कि जैसे पहले तो मैं इसको उठाता हूँ कंट्रोल सी करता हूं कंट्रोल वी कर देता हूं अब मैं सबसे पहले इसमें से हेडर को क्या करता हूँ गैप कर देता हूँ ताकि थोड़ा वो और बेहतर तरीके से दिखे या पहले इंडेक्स लीजिए मैंने इंडेक्स को क्या कर दिया यहाँ पे फॉल्स uh, कर दिया अभी मैं आपको फिर से अपनी header को दिखा दू एक बार ओपन करके मतलब सीएसपी फाइल को दिखा दू तो आप देखो यहाँ यह कॉमा लगा हुआ है दस बीस इस तरह से दिख रहा है मैं इसे क्लोज करता हूँ अपने आईडी में जाके अब इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ ये एग्जीक्यूट हो गया इसके बाद में मैं फिर से हेडर अपनी सीएसपी फाइल को सॉरी ओपन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे ये यह थोड़ा सा प्रॉपर दिखने लगा है तो देखिए यहाँ पे पूरा मेरा इंडेक्स गैप हो गया रो लेबल्स थे वो चले गए अब हम इसी तरह से कॉलम्स को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं मैं अपनी आइडियली शेल पे आता हूँ मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ हेडर एंड इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लो आ, कुछ तो भी प्रॉब्लम बता रहा है हेडर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड की है मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी वी यहाँ पर हेडर का एच को स्मॉल कर देता हूँ एंड इसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ ये एग्जीक्यूट हो गया ये मेरी ई एक्सवी फाइल है राइट right क्लिक करके आप इसे ओपन करें आप देखिए ये मेरी हेडर यहाँ से चले गई एक चीज़ और मैं चाहता हूँ इसमें कि ये जो हमारा कॉमा है इसको भी हम यहाँ से हटा दें इसकी जगह एट दी रेट लगा लेते हैं तो वापस आई डी एली में आ जाते हैं यहाँ अब की बार इसे कॉपी पेस्ट करते हैं इस हेडर को एच कर देता हूँ एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर सेपरेटर uh, लगा दीजिए इक्वल टू एट द रेट अब इस कोड को हम फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं गो बैक टू फोल्डर ओपन दिस सी एस बी एंड सी द रिजल्ट इज लुकिंग लाइक दिस तो यही हम चाह रहे थे यहां पे तो ये हुआ मेरा डेटा एक्सपोर्ट करना अब इसी तरह से मैं क्या करता हूं इंपोर्ट करता हूं ठीक है अभी एट रेट के साथ सेपरेटेड है हम क्या करते हैं यहां पर एक डी एफ वन बनाते हैं इक्वल टू मैं लेता हूं पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी ब्रैकेट के अंदर में मैं फिर से अपना ये पाथ दे देता हूँ इसका तो दिस इज माई पाथ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसके बाद में कुछ नहीं करते क्लोज करके एग्जीक्यूट करते हैं डी एफ वन देखते हैं तो आप देखिए पूरा कुछ इस तरह से सिंगल वैल्यू आ गई क्यों क्योंकि हमने सेपरेटर मेंशन नहीं किया अगर कॉमा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसलिए मैं क्या करूंगा फिर से इसको लूंगा उठाता हूं यहां से पेस्ट करता हूं कॉमा लगा के यहां पे सेपरेटर में मैं मेंशन कर देता हूं एट द रेट अब इसके बाद में यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा डी एफ वन लूंगा अब आप देखिए हमारा डेटा फ्रेम बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब रीड अंडर स्कोर सी एस बी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर सेपरेटर का क्या इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पर एट दी रेट अगर कोई डिफरेंट सी एस बी में डिफॉल्ट तो कॉमा है कॉमा में तो कोई केस नहीं है कोई सिचुएशन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मान लीजिए अगर आपका सेपरेटर कुछ और है सी एस बी फाइल में तो आप मैंशन करेंगे जब आप उसको इम्पोर्ट करेंगे अपने डेटा फ्रेम में इसलिए हम यहाँ पे सेपरेटर लेते हैं अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हैडर है वो इसमें इंक्लूड ना हो तो हम क्या करेंगे कॉमा लगा के यहाँ पर हमारा जो हैडर है इसको में जब हम रीड करते हैं जीरो कर देते हैं ठीक है एंटर करो डी एफ वन ले लो तो आप देखिए यहाँ पर जीरो करने से ये नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि होना तो चाहिए ये काम अच्छा बाई डिफॉल्ट तो ये जीरो ही होता है ना तो हमको इसको हैडर इक्वल टू वन करना पड़ेगा तभी तो वो पहली रो को यहां से एक्सक्लूड करेगा तो हम इसको वन कर देते हैं एंटर कर देते हैं डी एफ वन कर देते हैं सो so, अब आप देखिए ये मेरी फर्स्ट रो जो है यहाँ से चले गई ये वन जीरो टू को इसने यहाँ से ले लिया अब इसी तरह से मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसका हैडर जो है या यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम करिए नेम्स ले लीजिए मैं अपने कॉलम का नेम देना चाहता हूँ जैसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच कॉलम्स हैं ये दे देते हैं अब आप एंटर करिए अब आप डी एफ वन एंटर करेंगे तो देखिए ये अब मेरी सारी रोज इसमें इंक्लूड हो गई और मेरा अलग से इसमें क्या हो गया कॉलम हेडिंग भी आ गया तो जो पहले हमारा यहाँ पे देखिए पहला रो को ये हेडर बना दे रहा था या बोले कि लेबल बना दे रहा था कॉलम लेबल वो अब समस्या हमारी दूर हो गई हमने नेम्स का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा हमने लेबल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो ओवरऑल इस तरह से हम रीड अंडर स्कोर सी एस पी या यू कहें कि टू अंडर स्कोर सी एस पी का प्रयोग करके हमारे डेटा फ्रेम और सी एस पी के बीच में डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये तो पूरा मेरा कॉन्सेप्ट और सेशन था हमारे इस पैथन पैंडास के बारे में जो एज़ पर योर सिलेबस जिसमें सीरीज डेटा फ्रेम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस डेटा हैंडलिंग से कुछ बेसिक रिलेटेड बातें और इन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इंक्लूडिंग स्लाइसिंग एंड ऑल दैट वो हमने डिस्कस किया तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट का ट्यूटोरियल था एक वीडियो था जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा you know, इन इन चीजों को और इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आप इसके अलावा यदि आपको यू you नो know, जैसे प्लॉटिंग विद पाइप प्लॉट है या दूसरे यूनिट्स हैं उनके भी वन शॉट वीडियोज आपको मिल जाएंगे हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाए तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्रिप्शन इस वीडियो सेशन का जरूर चेक करें जहाँ पे मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर एमसीक्यू सभी के लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा नए सेशन में नए चैप्टर नए सॉल्यूशन नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं लेकिन अगेन आई वुड से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और इसे करना मत भूलिएगा ये ज़रूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे बढ़ावे के लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए उम्मीद करता हूं डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे अभी तक या कर लीजिए अगर नहीं किया फिर भी बाय बाय एंड टेक केयर